जी मुफ्ती गुलशाद साहब बोल रहे हैं। जी आप कौन बात कर रहे हैं? मैं अबू अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। अब्दुल्ला? हाँ खैरियत से हैं? अल्लाह का, आप जानते हैं मुझे? हाँ किसी ने नंबर दिया था कि हजरत से रब्ता करे, तो हजरत एक ये मसला पूछना है टखनों के नीचे लिबास के मुतालिक। तो नमाज में अगर नमाज की हालत में या बाहर टखनों के नीचे अगर लिबास लटका इजार हो या तहबंद हो, तो इसके मुतालिक हजरत क्या मसला है? नमाज होगी कि नहीं होगी? आप कौन बात कर रहे हैं? अबू अब्दुल्ला बोला हजरत। मुझे आपकी आवाज़ से तो लग रहा है कि मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ। होगा शायद। आप असगर अली बात कर रहे हैं क्या? हाँ अली असगर बोल रहा हूँ। तो अभी अब्दुल्ला क्यों बता रहे हैं आप? अबू अब्दुल्ला बोला मैं। जी अबू अब्दुल्ला भी बोले आप? जी। तो झूठ बोलने वाली आदत आपकी कहीं नहीं है हजरत? मेरे लड़के का नाम अब्दुल्ला है। तो आपने लड़के का नाम, मैंने आपके लड़के का नाम पूछा क्या? तो मैं अबू अब्दुल्ला बोला। अबू का मतलब क्या है हजरत? अच्छा अबू का मतलब सिर्फ बाप ही नहीं होता है। क्या होता है हजरत? अब ऐसे हजरत अबू हुरैरा थे तो वो बिल्लियों के बाप थोड़ी है। तो आप मुफ्ती हैं हजरत, आप मतलब समझा दें मुझे, अबू का मतलब क्या होता है? देवंदियों में जी कोई भी जो है गालिम दीन ऐसा नहीं है, मतलब जिसको मसला मालूम नहीं आपको फिर सुन्नियों की जरूरत पड़ गई। नहीं हजरत में इख्तिलाफ है, इसलिए मैं सोचा कि आप हजरत जरा खुलासा कर देना। बाकी हमारे उलमाए देवबंद के अकाबिर पर बात करते रहते हैं, तो इस पर बात कर देना हजरत। हजरत एक मसला है हजरत। एक बात तो ये है कि आपने झूठ बोला। क्या झूठ बोला हजरत? मैं आपसे दो मरतबा आपकी आवाज में पहचान चुका। आपने कहा कि मैं अबू अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल सही कहा मैंने। मैंने आपसे आपका नाम पूछा। मैंने आप कौन बोल रहे हैं? मैं बोला अबू अब्दुल्ला बोल रहा हूँ, नाम बोला। तो हजरत झूठ साबित कर देना हवाला देख करके। हाँ झूठ साबित कर देना। अबू का नाम जो है, अबू का मतलब जो है सिर्फ बाप ही नहीं होता। तो क्या होता है बताए ना हजरत, अबू का मतलब क्या होता है? अरे बाप नहीं होता है तो क्या होता है बताए ना, आप मुफ्ती है ना हजरत, बताए ना क्या मतलब होता है? अरे तो मैं देवबंदियों के लिए थोड़ी हूं भाई, देवबंदियों का मतलब बताऊंगा। नहीं अबू का मतलब बताया ना, मैं देवबंदी मतलब अबू का मतलब पूछ रहा हूँ। आपने गलत, आप गलत, आप झूठ वहां बोल रहे हैं गुलशाद साहब, मुफ्ती गुलशाद रजा साहब झूठ आप बोल रहे हैं। अबू का मतलब अली असगर, एक बात तो ये कि आपने झूठ बोल करके मेरे पास। तो हजरत झूठ साबित करें ना, मैं तौबा कर लूंगा, मैं देवबंदियां छोड़ दूंगा अगर मेरा झूठ साबित करेंगे आप। और अगर आप साबित ना कर पाए, आप बोले बिरल में छोड़ देंगे आप? आप मुफ्ती हैं, आप मुफ्ती हैं, बस लगी आग पीछे। नहीं आप मुफ्ती बोलना आग लगना है हजरत, एक क्या बदतमीजी है आप? मुफ्ती होकर बदतमीजी करेंगे इस तरह आप? आपके पीछे आग लगी। अरे आप मुफ्ती हैं बदतमीजी इस तरह करेंगे? बदतमीजी ये बेहद भी ये जुमला आपका पीछे आग लगना क्या मतलब है ये? आपका चीखने का मतलब क्या मेरे ऊपर हजरत? मैं आप भाग रहे हैं, आप झूठा साबित करना हजरत। अब्बू का मतलब बाप नहीं होता है, साबित करना भाई। मैं आराम से लेटा हुआ था, मैं कहां भाग रहा हूं? नहीं तो आप साबित, आप झूठ बोल रहे हैं हजरत, झूठा बोल रहे हैं ना हजरत, झूठ आप बोल रहे हैं ना। एक बात ये है कि हाँ बोले मतलब क्या मेरे पास फोन करने का है? हाँ अब यहाँ आए ना आप, अब हजरत अब खामोश है, बोलूं मैं हजरत? मुझे बताएं हाँ आपका मतलब क्या? हाँ वो मतलब तो जिस मतलब के लिए किए था तो ठीक है, लेकिन आपने कहा अबू का मतलब बाप नहीं होता। मुफ्ती साहब, मुफ्ती गुलशाद साहब, मुफ्ती गुलशाद साहब आपने कहा अबू का मतलब बाप नहीं होता, ये कह करके मुझे झूठा साबित कर दें आप। कौन है मैं आपको भाई? मेरे भाई आप मेरे पास फोन करके आप मुझे बताएं पहले तो। यहाँ से क्यों भाग रहे हैं आप? आपने झूठ बोल दिया कि अबू का मतलब बाप नहीं होता। यहाँ से भाग रहे हैं? अरे भाई मैं सो रहा हूँ, मैं कितने कहा मैं भाग तो, रहा हूँ। तो आप सोएंगे झूठ बोलेंगे आप? किसी ने आपको इख्तियार दिया आप सोए हो झूठ बोलेंगे आप? अरे भाई तुमसे मतलब क्या है मेरा? अरे नहीं अबू का मतलब बाप नहीं होता ये तो कहे तो कह देता। आपने कहा, मैंने नहीं कहा हजरत, मुफ्ती गुलशाद साहब आपने कहा अबू का मतलब बाप नहीं होता, तो क्या मतलब होता आप मुफ्तियां समझा देना हजरत। मैंने ये कहा है कि अबू का मतलब सिर्फ बाप नहीं होता, तो क्या होता है और क्या होता है बताए ना हजरत। पहले एक बात तो ये कि अपनी जो जबान है ना ये थोड़ा कम। मैं आपको हजरत बोल रहा हूँ, मुफ्ती गुलशाद रजा साहब, अबू का मतलब और क्या होता है बताएं आप। तो पहले अपनी आवाज नीचे करो आवाज। हजरत आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप जान छुड़ा के भाग रहे हैं, आप मुफ्ती होकर के एक मसले पर बात कर नहीं पा रहे हैं आप, और आपने झूठ बोल दिया। तो आप मुझे क्यों बोल रहे हैं कि मैंने झूठ बोला? आप मेरा झूठ साबित कर दें मुफ्ती गुलशाद साहब। हाँ तो बताएं, चले चले मैं सुन रहा हूँ, आप बताएं अबू का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी पूछेगा कि आप कौन बोल रहे हैं तो
हर किसी को यही बताया जाएगा कि अबू अब्दुल्ला। तो मैंने बोला, आपने कहा कि अबू, अबू का मतलब बाप नहीं होता हजरत, इसका मतलब समझाएं आप। मुफ्ती गुलशाह साहब, अबू का मतलब बाप नहीं होता, आप समझाएं। और क्या मतलब होता है इसका, और क्या मतलब होता है, इतना बता दे बस। अब भाभियों के अंदर एक कमी है कि जब उन्हें एक मर्तबा कोई बात बताई जाए ना तो वो गौर ही करती नहीं, समझती नहीं। आपने नहीं बताया मुफ्ती गुलशाह साहब, आपने नहीं बताया अबू का मतलब और क्या होता है। बात पूरी होने दे। हाँ बताएं जी, मेरी बात पूरी होने। हाँ हाँ ठीक है ठीक। मैंने अभी दो मर्तबा बता चुका हूँ क्या अबू का मतलब सिर्फ बाप नहीं होता। क्या होता है वो तो नहीं बताया आपने ना, इसीलिए मैं। अरे भाई मैंने मिसाल दी थी, याद नहीं है भाई तुझे? अभी मैंने कहा नहीं था कि हजरत अबू हुरैरा, वो क्या कहोगे भाई? क्या कहा अबू, कोई कहेंगे अबू हुरैरा कहेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? हाँ अबू हुरैरा कहा था। हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्ली को पाल देते अपनी आस्तीन से छुपा छुपा रखते। हाँ हाँ हाँ, तो क्या मतलब उसका, अबू मतलब बताएं आप। तो सरकारे दो आलम उनको अबू अबू हुरैरा कहा कि नहीं कहा? हाँ कहा था, बिल्कुल कहा था। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो बिल्लियों के बाप हो गए अगर। तो क्या मतलब होता है हजरत, माना तो वही होता है भाई। तो ये अरे यार ये हदीस पाक से साबित कर दिया भाई, अब अकल में नहीं आ रही तुम्हारी भी। आपने तो ये साबित किया, आप मैं बोलूं हजरत, जरा खामोश रहे, जरा खामोश रहे। बिल्कुल आपने साबित किया कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने अबू हुरैरा को अबू हुरैरा कहा था, लेकिन अबू का मतलब सिर्फ बाप नहीं होता और क्या होता है, वो तो आपने नहीं कहा ना, वहां से क्यों भाग रहे हैं आप? हो तो गया अबू हुरैरा, अभी भाभियों के अंदर यही तो कमी तो है। अबू का, अबू तो जुमला अरबी जुमला है, इसका और क्या मतलब होता है मुफ्ती गुलशाह साहब? अबू का मतलब, अबू का मतलब बाप होता है, इसका और क्या माना होता है? आपने नहीं कहा, आपने कहा सिर्फ अबू नहीं होता बाप नहीं होता, तो सिर्फ बाप नहीं होता और क्या बताएं? मुफ्ती गुलशाह साहब झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह के नबी के हदीस को पेश करके आप झूठ माना निकाल रहे हैं उसका, इसे अबू नहीं तो बाप, बाप नहीं झूठ माना है इसका। नहीं आपने कहा सिर्फ बाप नहीं होता अबू का मतलब, तो और क्या माना होता है वो तो बताए ना। अरे अच्छा अभी मतलब अभी मैंने मिसाल दी तो अभी भी समझ में नहीं आया। इससे समझ गया कि इससे सिर्फ बाप होता है और कोई माना नहीं होता इससे। ठीक ठीक, और कोई माना नहीं होता, सिर्फ बाप होता है। हाँ तो क्या हुआ, हो रहा है जो है बिल्ली को कहते तो क्या हुआ? हाँ चलो ठीक है, हाँ ठीक है। सरकारे दो आलम ने जो हजरत था अबू हुरैरा को कहा था, अबू हुरैरा तो बिल्लियों के बाप कहा था हुजूर ने? हाँ कहा था। ये भाभियों का मतलब है इसका, तो आपका मतलब बताया ना मुझे थोड़ा सा। अरे भाई हाँ मिसाल भाई, जब मैंने कहा कि अबू का माना सिर्फ बाप नहीं होता है तो क्या होता है आप बताएंगे? नहीं और भी होता है, मैंने इसीलिए मिसाल दी। हाँ इसीलिए मैंने मिसाल दी कि अगर बाप ही होता तो सरकारे दो आलम उन्हें ये नहीं कहते कि आप बिल्लियों के बाप हो। तो और क्या होता है आप बताएंगे, मैं बताऊं? अरे भाई तो तुम मना कर रहे हो ना, इनकार कर रहे हो ना, क्या अबू का माना जो है सिर्फ बाप नहीं होता है? सिर्फ बाप होता है, आपने कहा कि सिर्फ बाप नहीं होता है। देखो सामिन देखें कितना झूठ बोल रहा है, देखो ये खुद कह रहा है कि अबू का मतलब सिर्फ बाप नहीं होता, मैंने कहा सिर्फ बाप होता है, तुमने कहा सिर्फ बाप नहीं होता, तो तुम समझाओ कि मैं समझाऊं? अच्छा अब झूठा कौन साबित हुआ? मिसाल दे, जब मैंने मिसाल दे दी अबू हुरैरा, तो और क्या साबित करना रह गया भाई? सरकारे दो आलम ने जो कहा अबू हुरैरा वो क्यों कहा? बिल्लियों के बाप कहा है बेवकूफ आदमी, इतना समझ में नहीं आ रहा है तो अबे अबू का मतलब क्या है वो समझाओ तुम। अबू का मतलब क्या होता है तुम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अबू हुरैरा को अबू हुरैरा कहा, उनका नाम अब्दुल रहमान था, ठीक है, और अबू का मतलब तुमने कहा सिर्फ बाप नहीं होता है, मैं कह रहा हूँ सिर्फ बाप होता है, वालिद मतलब होता है, अबू हुरैरा का मतलब बाप, वालिद, अब्बा जान, अब्बा होता है, ठीक है। तो तुम मुझे समझाओ कि अब्बू का मतलब और क्या होता है, तुमने इसका इनकार किया है कि सिर्फ सिर्फ अब्बू बाप नहीं होता अबू का मतलब, तब मैंने इनकार नहीं किया, तुम मुझे भी बोल रहे हो मैंने इनकार किया? नजद मैं वहाबड़ो मैं, अगर जिस दिन जो इल्म पहुंच गया ना उस दिन ये वहाबीपन जो खत्म हो जाएगा, ये बेवकूफ दिन खत्म। अरे दावा तुम्हारा है मुफ्ती गुलशान साहब, नहीं बताया, नहीं बताया तुमने अबू का मतलब, तुमने कहा और भी सिर्फ अब्बू नहीं होता और क्या होता है, और क्या होता है बताओ? अब्बू का तो क्या, तो बताओ बताओ। नहीं 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 दलील, हाँ दलील दलील दो, दलील दो, दलील दो, अब्बू का मतलब और क्या होता है, अब्बू का मतलब और क्या होता है, दलील दो तुमने कहा। अरे तू बहस करने से जीत जाएगा, मैं दलील मांग रहा हूँ, बहस कर रहा हूँ मैं। अरे तो बहस ही तो कर रहा है मैं, कितनी आराम से बात कर रहा था। हाँ दलील दलील दो, दलील दो, दलील दो, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब जवाड़े से वो लैटरिन कर रहा है। अरे दलील दो यार, दलील दो। मैंने हदीस पाक से दलील दी कि हाँ, अबू हुरैरा का हाँ, माना है कि बिल्ली वाले, बिल्ली वाले का बाप नहीं। अच्छा अबू का माना बाप नहीं होता। अच्छा हवाला हवाला दो, हवाला दो, हवाला दो, अबू का माना सिर्फ बाप, हवाला हवाला दो, हवाला दो, हदीस पाक है, हवाला दो, हवाला, अबू का मतलब वाले होते हैं, हवाला दो, तेरे यहाँ बुखारी शरीफ नहीं है, अबू का मतलब वाले होते हैं, हवाला दो, लफाजी नहीं हवाला चाहिए, लफाजी नहीं, हार गए ना, झूठा झूठा साबित हो गए ना तुम,
بغیر دلیل کے کوئی بات معتبر نہیں ہوگی. تم نے کہا ابو کا مطلب والد ہوتا ہے, دلیل دو اس کی. یہ حدیث پاک سے ثابت ہو گیا. ارے دلیل بغیر دلیل کے, بغیر دلیل کے, بغیر دلیل کے, بغیر دلیل کے, دلیل دلیل دلیل. مفتی گلشاد رضا خانی دلیل دو. مفتی گلشاد رضا خانی, مفتی گلشاد رضا خانی, دلیل 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 دے, دلیل دلیل دے. اب خاموش رہا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں خاموش رہا, خاموش رہو, خاموش رہو. تمہارا دعویٰ یہ ہے ابو کا مطلب صرف باپ نہیں. اب مدعی تم ہو, دلیل کون دے گا؟ مدعی تم ہو. دلیل 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 دو, دلیل 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 دو. مفتی گلشاد, مفتی گلشاد دلیل دو. ہاں بیٹیاں نہیں ہیں ان کی, اولاد نہیں ہے. ارے بھائی اگر صرف ابو کا مانا, اگر صرف باپ لیا جائے گا تو حضرت ابو ہریرہ کی بلیاں بیٹی مانی جائیں گی. بے وقوف آدمی, اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بولیے, اگر ابو کا مانا باپ ہی لیا جائے گا تو بلیوں کو باپ بناؤ گے حضرت ابو ہریرہ کو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بولیے بتاؤ, بولیے. چلو ٹھیک ہے, اب خاموش رہو, اب خاموش رہو. تم نے کہا ابو کا مطلب صرف باپ نہیں ہوتا, تو صرف اور کیا معنی ہوتا ہے وہ تم دلیل دے کر ثابت کرو گے؟ مدعی تم ہو کہ میں ہوں؟ ارے بھائی تو ثابت کر تو دیا. دلیل کہاں ہے؟ دلیل کہاں ہے؟ دلیل دلیل کہاں ہے؟ دلیل 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 کہاں ہے؟ دلیل کہاں ہے؟ دلیل 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 دے, دلیل دے, دلیل دے, دلیل دے. کہاں ہے؟ کہاں ہے دلیل؟ پیش کر دلیل, دلیل بھیج, دلیل بھیج, دلیل بھیج, دلیل بھیج. دیکھو سامین, مدعی یہ ہے, دلیل مدعی یہ ہے, دلیل نہیں دے رہا ہے, اور دیکھو کس طرح بدتمیزی کر رہا ہے, کس طرح بکواس کر رہا ہے. ہاں ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں. جھوٹا جھوٹا کون ثابت ہوا؟ جھوٹا کون ثابت ہوا؟ چل دلیل دے. دو تین مہینے کے بعد یہ پھر میرے پاس فون کر رہا ہے, دلیل دینے بولا تو دلیل. میں نام بتا رہا ہے, میں نے نام پوچھا. جب پوری دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جاؤ, اگر کسی سے کسی کا نام پوچھا جائے تو یہ نہیں کہتا کہ میں اس کا باپ ہوں, اس کا باپ ہوں. جب نام پوچھا جا رہا ہے تو نام ہی بتایا جاتا ہے. اگر ہر کسی سے یہ پوچھا جائے تو اس کا مطلب پھر علی اظہر کے آدھار کارڈ پہ علی اظہر کا نام نہیں ہوگا, علی اظہر اس دیوبندی کا نام ہوگا ابو عبداللہ. یہ جو ہے عبداللہ کے باپ ہے صرف, ان کا نام نہیں ہے, کیونکہ نلے ہیں, دیوبندی ہیں, نجدی ہیں, یہ بھابھی ہیں. ٹھیک ہے بول لیا, ابھی بولوں. دیوبندی ہیں, بھابھی ہیں, نجدی ہیں, آدھار کارڈ پہ, ان کے پین کارڈ پہ, بینک اکاؤنٹ پہ, کہیں بھی ان کا نام نہیں ہے, ہر جگہ ابو عبداللہ ہے. چلو ٹھیک ہے, ابھی اگر کوئی پولیس والا ہے کہ پچھواڑے پہ آ کے ڈنڈے مارے کے نام بتاؤ تو یہ نہیں بتائیں گے کہ میرا نام علی اصغر ہے, یہ کہیں گے نہیں نہیں. اب میں جواب دوں, اب میں جواب دوں, اب میں جواب دوں. دوسری غلطی یہ ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابو کا معنی صرف باپ ہوتا ہے, جبکہ میں نے حدیث پاک سے ثابت کیا کہ اگر صرف لفظ ابو کا معنی باپ ہی ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کہا محبت میں, جبکہ علی اظہر کا دعویٰ یہ ہے, علی اظہر کا یہ دعویٰ ہے کہ ابو کا معنی صرف باپ ہوتا ہے. تو بقول علی اظہر کے یہاں پر حضرت ابو ہریرہ بلیوں کے باپ ہو جائیں گے اس معنی کر کے. اب علی اظہر کی میاں نے اگر دودھ پلایا ہے تو حضرت ابو ہریرہ کو بلیوں کا باپ کہہ کے دکھائیں. ٹھیک ہے چلو جواب دوں میں, اب میں جواب دوں. خاموش رہا, جواب دے رہا ہوں, خاموش رہا. میں کس طرح خاموش رہا؟ تو مفتی ہے, تو مفتی ہے, خاموش رہا, خاموش سن. اپنے اپنی اپنے ذات کو ذلیل مت کر, اپنی ذات کو خاموش رہا. اب مجھے بولنے دے, اب مجھے بولنے دے, اب مجھے بولنے دے, اب مجھے بولنے دے. دیکھو سامعین, میں کس طرح خاموش سے سنا, ابھی دیکھیں گے چلائے گا میرے بیچ میں. دیکھنا آپ سامعین, جب اس نے کہا تمہارا نام علی اصغر ہے, میں نے کہا ہاں. یہ کہا کہ تم اپنا نام کیوں نہیں بتائے, کوئی ڈنڈا مار دو بول. میں نے کہا تھا نا بیچ میں بولے گا, میں نے کہا تھا نا سامعین بیچ میں بولے گا, میں نے کہا تھا نا سامعین بیچ میں بولے گا. ہاں جبکہ میں اس کے بیچ میں نہیں بولا ہوں, یہ دیوبندی کی حق ہونے, دیوبندی کے حق ہونے کی پہچان ہے کہ میں بیچ میں نہیں بولتا. دیکھو بول رہا ہے, دیکھو بول رہا ہے, دیکھو بول رہا ہے. آپ دیکھیں اس بات کو سنیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ تو علی اصغر بول رہا ہے. سب سے پہلے میں نے پوچھا جب میرے پاس فون آیا کہ کون, تو سامنے والے نے کہا میں حامد بول رہا ہوں. اس نے کہا میرا دوست بات کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. میں نے کہا بات کروائیے, کیا نام ہے ان کا؟ پھر یہ بولا, جب میں نے اس سے اس کی بات یہ بولا, ہاں ہیلو سلام وغیرہ کیا, میں نے ہاں بھائی کون بول رہے ہیں آپ؟ تو یہ علی اصغر بول رہا ہے کہ میں ابو عبداللہ بول رہا ہوں. اب مجھے بتائیے, یہ بات بیچ میں سے چھیڑ رہا ہے کہ نہیں نہیں, یہ جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ تو علی اصغر بول رہا ہے, جبکہ میں نے لفظ علی اصغر سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے. واہ سامعین, اب آپ خود دیکھیں,
आप सुनते हैं कि अली अकबर कहाँ की बात, अब बोलूँ मैं जवाब दूँ, मेरे बीच तुम्हारा, तुमने मेरा टाइम लिया है, अब बोलूँ मैं, अगर सही करेगा तो खामोश खामोश रहो। सामीन, इसने ऐसा नहीं बोला तुम्हारा नाम क्या है, झूठ बोल रहा है, फिर झूठ बोला है। इसने कहा कि तुम कौन हो, इसने कहा तुम कौन हो, देखो बीच में मत बोल, बीच में मत बोल, तुम्हारे बीच में बोलता नहीं मैं, बीच में मत बोल, तुम्हारी बात, तुम्हारे बातिल होने की दलील है, तुम्हारे तुम शिकस्त खुर्दा हो, इसलिए तुम मेरे बीच में बोल खलते बस कर रहे हो, खामोश रहो। सामीन, जब इसने कहा तुम कौन हो तो मैंने कहा अबू अब्दुल्ला हूँ, ठीक है, और इसने कहा अबू अब्दुल्ला का मतलब क्या है, कह रहा अबू अब्दुल्ला का मतलब सिर्फ बाप नहीं होता, तो अब इसने कोई दलील नहीं दिया, दलील भेजा नहीं है, जबकि नूरुल इरफान के, देखो सामने अभी भी बोल रहा है, अभी भी बोल रहा है, जबकि नूरुल इरफान के अंदर अहमद यार खान नईमी लिखता है कि नबी का मुखालिफ हमेशा बेदलील और बेसनद हाका करता है। क्या कह रहा है, मैंने हवाला भेज दिया इसके पर्सनल पे, कि नबी का मुखालिफ, नबी का दुश्मन हमेशा बेसनद और बेदलील हाका करता है। तो ये दिलशाद रजा, गुलशाद रजा खानी जो है नबी का दुश्मन साबित हुआ। देखो सामीन बोल रहा है मेरे बीच में, अभी बोल रहा है, देखो बिल्लियों के साथ में, देखो बोल रहा है, देखो, और ये उनकी खासियत थी कि बिल्ली को अपने कभी आस्तीन में छुपा लिया करते थे, कभी कहीं, कभी दामन में, कभी गोद में ले लिया करते थे। मैंने इनकार किया, मैंने इनकार किया, अबू हुरैरा को देखा, मैंने इनकार किया, मोहब्बत में मेरे नबी ने कहा अबू हुरैरा, ये बुखारी की हदीस से, मैंने इनकार किया, मैंने इनकार किया। अब मुझे तो पता नहीं कि वहाबी इस हदीस को नहीं मानते, इसलिए कि अली असगर ने कहा है। देखो सामीन, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अपने मुजद्दिद की तरह जबरदस्ती या हुक्म लगा रहा है कि नहीं मानता है, ये अपने मुजद्दिद की तरह। देखो सामीन, देखिए मानने के लिए तैयार नहीं है, मानने तैयार ही नहीं है, बगैर दलील की नहीं मानूंगा, दलील दे, दलील दे, दलील दे, दलील दे। अच्छा, ये अबू हुरैरा वाली हदीस नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, इनकार कर रहा है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, मानता हूँ। दलील हो तो गई, हाँ हुई तो, खामोश हो, मुझे बोलने दे, मेरी बारे में बोलने दे, मेरी बारे में बोलने दे, मेरी बारे में, मेरे बारे में बोलने दे, अबू हुरैरा का माना, मेरे बारे में मुझे बोलने दे, अब खामोश, मुझे मेरे बारे में बोलने दे। अरे भाई अबू हुरैरा का, मुझे मेरी बारे में बोलने दे। अरे तो तुझे तो मुझे मुकम्मल बोलने दे, मेरी बारे में, मैं तुम्हारे बारे में किस तरह खामोश रहता हूँ? अबू हुरैरा का, तुम इतने लंबी चौड़ी तकरीर करोगे और मुझे, मुझे बोलेगा खाली माना बोलने के लिए? नहीं पता अबू हुरैरा का माना, मैं सब बताऊँ, खामोश रहा, एकदम खामोश हो जा, नहीं पता, एकदम खामोश हो, एकदम खामोश हो, मुझे पता है, मुझे पता है, बताऊंगा मैं, नहीं पता अबू हुरैरा का माना, बता रहा हूँ, खामोश हो, खामोश हो, एकदम खामोश हो, नहीं पहले अबू हुरैरा का माना बता, माना पता है, बता बता रहा हूँ, अबू हुरैरा का मतलब होता है सामीन, अबू अबू हुरैरा, अबू का मतलब बाप होता है, इसने कहा कि अबू का मतलब सिर्फ बाप नहीं होता है, ये मुद्दई है, दलील कौन देगा, ये देगा, अभी तक इसने दलील नहीं पेश किया, मैंने हवाला पेश किया है नूरुल इरफान से, सफ़ा नंबर 751 पर लिखता है कि नबी का मुखालिफ हमेशा बेसनद बेदलील ही हाका करता है, यानी कोई आदमी मुद्दई हो, दावा पेश कर दे, उस पर दलील ना दे, तो नबी का मुखालिफ नबी का दुश्मन होता है। कौन लिख रहा है? अहमद यार खान नईमी। सामीन, अभी तो दलील नहीं दे रहा, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी ने जो फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बिल्कुल सच है, हक है, इसका मुझे इनकार नहीं, जबरदस्ती कर रहा है, इनकार कर रहा है। इसने, इसका जो दावा है कि अबू का मतलब सिर्फ बाप नहीं होता है, तुमने जो दावा पेश किया, दलील कौन देगा? सामीन, इसके पर्सनल मैंने हवाला पेश कर दिया है नूरुल इरफान से कि नबी का मुखालिफ हमेशा बेसनद बेदलील हाका करता है। ये है रजा खानी का मुफ्ती गुलशाद रजा मिसबाही। जबकि सामीन, मैंने अलग मसले पे फ़ोन किया था, ये लोग खलते में बहस करके उस मसले से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। देखो साम, अभी बोल रहा है, हालांकि मैं उसको बोल देता हूँ, बोल तो, अब बोल, मुझे मिसबाही बता रहा है, मैं आज तक पढ़ने के लिए गई नहीं, गए नहीं वहाँ शरफिया में, तुझे, तुझसे किसने कहा कि मैं मिसबाही हूँ भाई? तेरे बीच में नहीं बोलूंगा मैं, तू बोल ले, तू बोल ले, तू बोल ले, मिसबाही होने का दावा किया ना मेरा, हाँ हाँ, दलील दे, नहीं है तू, दलील दे कि मैं मिसबाही हूँ, मिसबाही नहीं है तू, हाँ तो तू मिसबाही साबित कर ला, नहीं तो जाना दे फिर, नहीं तो कोई बात नहीं, दलील तू देगा, तूने दावा किया है, सबसे पहले दलील तू दे, मैं दूंगा, अरे सबसे पहले मुद्दई तू है कि अबू का मतलब सिर्फ बाप नहीं होता, ये दलील तू देगा, तू पहले मुद्दई है, मैंने तुझे नबी का दुश्मन, नबी का मुखालिफ साबित किया है गुलशाद रजा, बेरेवी मुफ्ती गुलशाद रजा, मैंने तुझे साबित किया है कि तू, अच्छा तो अच्छा, अभी तक मैं बोल रहा हूँ गुलशाद रजा, तो रजा है, रजा है तू, मेरे ख्याल से तू अली अकबर बोल रहा है, बोला हाँ हाँ अली अकबर बोल रहा हूँ, क्या मालूम करना, हाँ सामीन आप खुद बताएं बात क्या चल रही थी, मैंने इसका नाम पूछा था, इसने अपना नाम छोड़ के अपने बेटे का नाम, झूठ बोल रहा है, झूठ बोला है इसने, झूठ बोला है, झूठ बोल रहा है, तू मतलब कौन है? मैं आलिम भी बोल सकता था, मुफ्ती भी बोल सकता था, लेकिन मैं मुफ्ती नहीं तो कैसे बोलूँ, आलिम नहीं तो कैसे बोलूँ?
जब मैं इमाम बोल सकता था लेकिन इमाम नहीं बोला मैं, तो मैंने बोला अबू अब्दुल्ला, अबू अब्दुल्ला ना अब्दुल्ला का बाप है। हर आदमी हर मुसलमान अपने आप को अब्दुल्ला कह सकता है, ठीक है। आ रहा था कि मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, दूसरी मरतबा बोलने लगा कि मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, पहले भी ये कह के ये भाग गया था, अब ये मुझे बता रहा है कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ अली असगर, समझे। झूठा कहीं का सामीन, मैं ही बोला ही नहीं इसको, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मौजूद है, झूठ बोल रहा है। अच्छा हामिद भाई आप लाइन पे हैं, बताएं आप, मैं इसको बोला हूँ कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हामिद भाई बोले ना, आप बोले आप हामिद भाई, अपने बेटे के। हामिद भाई मैं बोला हूँ उसको दिल्ली से हूँ, कितना झूठ बोल रहा है, कितना झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, बोलते जा रहा है अपने मुजद्दिद की तरह झूठ, इसको झूठ बोल रहा है, इसको एहसास ही नहीं हो रहा है, खौफ खुदा नहीं इसको, झूठ बोलने का क्या अंजाम है। हामिद भाई मैंने इसको बोला कि मैं दिल्ली का हूँ, उन्हीं में जो है शरीक के जो बड़े बड़े अकाबिर उलमा है, वो भी उलमा नहीं, वो उल्लिमा है वो भी। अच्छा बात कर लेना, बात कर लेना, बात कर ले, बात कर लेना, किस पे बात करेगा, बात करेगा कि बोल, किस पे बात करेगा बोल। सुनो जी बिल्कुल यार, बोलते ही चले जा रहे हो आप तो। भाई देखिए मैंने पहले भी कहा था अगर सही बोलोगे तो मैं बिल्कुल बोलने का मौका दूंगा, मैंने बिल्कुल कहा था। आप मुझे ये बताएं कि जब मैंने इनसे इनके नाम पूछा तो इन्होंने ये क्यों कहा कि मैं अबू अब्दुल्ला बोलो। तुम नाम पूछा कि तुम लोग कौन हो, कौन हो भाई, मैं देवबंदी भी बोल सकता था, सुन्नी भी बोल सकता था। अगर भाई आप जो है कौन, हामिद साहब आप लाइन पे हैं, देखिए मैं आपको जानता ही हूँ आप किस से जो है फिर से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आप जो है ये बताएं, अगर मैंने चलिए नाम नहीं पूछा इनसे, अगर ये भी पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपसे भी पूछा था कि नहीं कि आप कौन बोल रहे हैं, तो आपने कहा मैं हामिद बोल रहा हूँ, मसले खत्म हो गया। इसी तरह से जब मैंने इनसे कहा कि आप कौन बोल रहे हैं तो इन्हें क्या नाम बताना चाहिए था अपना, आप मुझे बताएं, मैं इनके बेटे को जानता हूँ क्या, जो चलो ठीक है कि मैं अबू अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है, बाद में बताया कि नहीं बताया, जब बोला अली असगर हो, बाद में बताया ना, बाद में बताया ना, बाद में बताया ना अली असगर। हमें समझाया उसको, समझाया उसको कि बाद में जब पूछा, नाम पूछा, मैंने नाम बताया मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम बात कर ही नहीं सकते, मेरे से बात कर ही नहीं सकते तुम, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, तुम्हारी पिछवाड़ी जो है ना लाल कर दिया मैंने, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करो, इसीलिए खलते में फंस करते हो, आओगे बात करोगे जो मौजूद मैंने चला बात करोगे। बिल्ली का बाप हाँ, अबू का मतलब बाप होता है। तो क्या ठीक दलील देना तू, अरे दलील देना, दलील देना हामिद भाई। हाँ बिल्कुल मोहब्बत से कहा था, बिल्कुल मोहब्बत से कहा था, प्यार से कहा था। हाँ हाँ अबू तुराब अबू हुरैरा अली रजी अल्लाह तआला का अबू तुराब कहा था, प्यार मोहब्बत से कहा था, लेकिन अबू का मतलब बाप होता है। हाँ हाँ उसको पूछो ना कि और का माँ क्या माना होता है, कौन बताएगा ये आपको, ये बाप के लिए भी यूज होता है अबू। हाँ आना मैं आती जी के लिए हामिद साहब भी यूज होता है जी। अब मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं यही समझाना चाह रहा था, मैंने जो कहा था यूज की जाती है, तो उन्होंने जो बोला है वो उससे बोला है कि उनके लड़के का नाम अब्दुल्ला है, तो उन्होंने तो मैं अच्छा ठीक। अब मुझे बताएं कि मैं इनके बेटे को जानता हूँ क्या, नहीं वो तो बात आपकी ठीक है, नहीं जानते, लेकिन जब आपने नाम पूछा तो ये बोला जाता है, लेकिन आप तो इस बात नहीं नहीं देखिए मेरे भाई, जिस वक्त मैंने इनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, जबकि इनकी मेरी बात पहले से बात हो चुकी है, आप मुझे बताएं, आपकी एक मरतबा मुझसे आज बात हो गई, कल या एक महीने बाद एक साल के बाद आपकी मेरी फिर से बात हो, तो मैं जिस नाम से आपको जानता हूँ वो नाम बताएंगे, अच्छा बदल के बताएंगे। अच्छा ठीक है, अब मैं बताऊँ, मैं नाम इसलिए बताता नहीं हूँ असल नाम, कि आप लोग जो है भागते हैं, अभी भागा ना तुम नाम से भागा ना, यहाँ भाग रहे हो, असल मौजू पे नहीं आ रहे हो, तुम लोग भागते हो अली असगर नाम सुन करके ना, अभी भागा तुम्हारा शौकत रजा बिहार वाला, भागा दो मरतबा भागा, दो मरतबा भागा नाम सुन करके। हामिद भाई आप देख रहे हैं, नहीं तुम भाग रहे हो यहाँ से वहाँ यार, कि तुम्हारा ये हामिद भाई खामोश रहो, हामिद भाई ये जो इसका एक दो मुनाजिर है शब्बीर रजा और एक मुनाजिर है इसका डॉक्टर मारूफ मिसबाही,
अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं भी उनसे बात कर रहा हूँ, खामोश रहो ना। एक एक शब्बीर रजा है, साहिर रजा मुंबई का है, इसका मुनाजिर है, और एक डॉक्टर मारूफ मिसबाही नईमी है, मुफ्ती है वो। दोनों अपने अपना असल नाम नहीं बताता, एक बोलता है अबू उबैदा अबू उबैद और एक दूसरा नाम अबू लगाता है। तुम नहीं जानने से क्या होता है, तुम्हारा नहीं जानने से क्या होता है, फतवा लगा दो फिर। कह दो वो झूठा है, वो कह दो झूठा है, वो कह दो झूठा है। चल चल, या तो ये काम कर, ये काम कर, अबू का और मतलब होता है हदीस, दलील पेश कर दे, फिर असल मौजू पर आ जा, असल मौजू पर आ जा। हामिद भाई इससे बोलो कि तूने दावा किया है कि अबू का मतलब और कुछ आता है, वो साबित कर दे, या फिर असल मौजू पर आ जाए। हामिद भाई बोलो उससे, असल मौजू पर आ जाए, या फिर दलील दे कि अबू का मतलब और क्या होता है। दलील 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 चाहिए, दलील, बगैर दलील की बात नहीं। बगैर दलील की नहीं, क्या आप मुझे बताएं? हाँ, क्या आपने और मैंने जो कहा है, हाँ, अभी भी गलत कहा है? नहीं, मैं दलील मांग रहा हूँ ना भाई, बगैर दलील के तुम्हारे तुम बात ही रहो, तुम्हारी बात का इतबार कैसे करेंगे हम? अच्छा ठीक है, हामिद भाई लाइन पे, मुझे बता, अगर मैंने दलील दी तो क्या करेगा? दलील दोगे ना? दलील अगर दे दिए ना, मुनाजरा छोड़ दूंगा मैं। दलील दे मेरे को, हाँ दलील दे मेरे को, हाँ दलील दे इसके लिए। हामिद भाई आपका व्हाट्सएप नंबर? बुखारी से बुखारी, तुमने बुखारी का नाम लिया है, बुखारी से नाम दलील दोगे? नहीं, अबू का मतलब और कुछ होता है, तुमने कहा उसका, तुम बुखारी से। चलो अब हामिद भाई इसको मनवाओ, अगर दलील नहीं देगा ये बेरेल में छोड़ेगा। अगर कोई किसी, खनी खामोश रहो, खामोश, तुमने मुझसे मनवाया है, नहीं नहीं हामिद भाई इसको बोलो, मैंने कहा है कि अगर दलील दे दिया, दावा कर रहा है, अरे खामोश कराओ यार उसको। दलील जो है मोतबर है या गैर मोतबर है, वो सामने वाला जो है, नहीं खामोश रहो हामिद भाई, उसको बोलो जिस तरह मैंने कहा है, हामिद भाई खामोश कराओ जिस तरह मैंने कहा है, दलील दोगे मैं मुनाजरा छोड़ दूंगा। मैं पूछ रहा हूँ, तुम अगर दलील दे नहीं पाए बिरल भी छोड़ोगे तुम? नहीं, तुम मुनाजरा कहाँ कर दो? बिरल भी छोड़ोगे? बताओ बिरल भी छोड़ोगे तुम? हाँ छोड़ दूंगा। चल तो दावा कर, पहले दावा कर कि देवबंदी बनेगा और बेल भी छोड़ेगा, बोल सच्ची पक्की तौबा करके, बोल। नहीं पहले वादा हामिद भाई, उसको वादा कराओ यार। पहले बोलो कि अगर तुम दलील दे नहीं पाए कि अबू का मतलब बुखारी शरीफ में और कुछ है, तो तुम बरेलवी छोड़कर देवबंदी बन जाओगे, और साबित अगर कर दिए मैं देवबंदी छोड़ दूंगा और बरेलवी बन जाऊंगा, मुनाजरा छोड़ दूंगा। चल जल्दी कर, बोल, ऐलान करो पहले, ऐलान करो। अरे वो कैसे ऐलान करो, भी राजी हो? नहीं बोलो कि मैं तुम सच्ची पक्की तौबा करके बरेलवी छोड़ दोगे, देवबंदी बन जाओगे, बोलो। मैंने पहले ऐलान करो यार, हामिद भाई ऐलान करो इसे। ऐलान करने से क्या हो जाएगा? अरे तुम फिर मुकर जाओगे ना, मुकर जाओ ना, ऐलान करो पहले। नहीं दलील नहीं, अभी पहले ऐलान करो, मतलब दलील नहीं मानेगा तू? पहले ऐलान। अरे तो दलील माने, पहले ऐलान, बाद में दलील, पहले ऐलान, पहले ऐलान, पहले वादा। मुझसे क्यों करवाए फिर ऐलान? मुझसे वादा क्यों करवाए? क्या हकला रहे हो? मुझसे वादा क्यों करवाए तुम? अब तुम्हें क्यों मौत आ रही है वादा करने से? तुम्हें क्यों मौत आ रही है वादा करने से? बात नहीं है, बुखारी शरीफ से तुम पेश कर अगर नहीं, पहले मेरी बात सुनो, मेरी ऐलान करो पहले कि तुम देवबंदी कबूल करोगे सच्चे पक्की तौबा करके, बरेली पेश तौबा करके। चलो ऐलान करो ऐलान करो। ऐलान करो कि अगर तुम दलील नहीं पेश कर सके कि अबू का मतलब बुखारी शरीफ में और कुछ है, तो तुम बरेली छोड़कर सच्ची पक्की तौबा करके देवबंदी बनोगे, ऐलान करो। इस तरह मैंने ऐलान किया है, ऐलान करो। भाग रहा है, देखो सामीन, देखो भाग रहा है। हाँ नहीं, ऐलान करो। चलो इसलिए हाँ मान लिया। ये देखो मैंने मलफूज पेश किया है, इसमें लिखा है इसके मुजद्दिद ने मुनाजरा में शर्त करना कि जो मगलूब हो या जो शिकस्त खा जाए तो सच्ची पक्की तौबा करके दूसरे का मजहब कबूल कर लेगा, ये कुफ्र है। हाँ। क्या है? कुफ्र है। तुम काफिर हो गए। जो शख्स कुफ्र का इरादा करे मुजाफन या मुअल्लिकन, वो भी काफिर हो गया। तुमने तुम्हारे नजदीक देवबंदी काफिर है तुम्हारे नजदीक, और तुमने इरादा किया देवबंदी बन जाओगे, गोया तुम्हारे नजदीक कुफर का इरादा करना हुआ, और कुफर का इरादा करना काफिर बनना है। माशाल्लाह काम हो गया। आपके सामने जाहिर है।
आपके सामने जाहिर है। क्या जाहिर है? अगर देखिए, ये जो है, जो आज बहस आपके सामने आदमी कर रहा है ना, ये बहस मुझसे पहले भी कर चुका है। बिल्कुल कर रहा हूँ। भागे हो तुम भागे हो। भागे इस तरह भी भाग रहे हो जो है, ये पिछली मर्तबा भी जो है। अरे तुम काफिर साबित हुए हो तुम्हारे मुजद्दिद के फतवे से, तौबा करो। खारिज इस्लाम हो गए आप काफिर हो। कौन बताए कि फिर इसे आज कैसे जरूरत पड़ गई है काफिर की, अगर बकौल इसके मैं काफिर था तो। हाँ चलो जवाब दूं। हाँ मैं इसलिए जरूरत पड़ी है कि बार बार तुम्हें काफिर साबित करूं, जिस तरह अभी तुम्हें काफिर साबित किया है। तुमने कहा बरेलविया छोड़ करके, हाँ तुमने तस्लीम किया है। अगर तुम दलील दे नहीं सकोगे तो बरेलविया छोड़ करके देवबंदी कबूल करोगे, और तुम्हारे यहाँ ये इरादा करना भी कुफ्र है। अगर दलील दे भी दिए तो इरादा करना, देवबंदी बनने का इरादा करना कि तुम्हारा देवबंदी काफिर है तुम्हारे नज़दीक, और कुफ्र का इरादा करना भी कुफ्र है। तुम्हारा मुजद्दिद कह रहा है हिस्सा चहारुम अल मलफूज सफा नंबर 16 पर कि हराम है ये शर्त करना कि देवबंदी कबूल कर लूंगा, सामने वाले का मजहब कबूल कर लूंगा, और अगर दिल में ये है कि दूसरा गालिब होगा तो शख्स अपने मजहब को छोड़ देगा तो ये कुफ्र है। अइम्मे किराम की तशरीह है कि जो शख्स कुफ्र का इरादा करे मुजाफन या मुअल्लकन अभी काफिर हो गया। तुमने अगर कुफ्र का इरादा भी कुफ्र है और तुमने इरादा कर लिया, तुम काफिर हो गए। माशाअल्लाह गुलशाद रजा, तुझे काफिर साबित किया, तेरा मौजूदगी का फर्ज मेरे लिए है। यहाँ क्या बोल रहा है वो? अरे बहादियों को काफिर कहा है तभी तो कहा है कि अगर उनके मजहब में जाएगा या इरादा भी करेगा तो कुफर होगा। तुमने काफिर, तुम काफिर हुए ना, इरादा किया ना तुमने, तो दलील दो फिर भी तुम्हारा इरादा करना देवबंदी बन, फिर भी कुफर है तुम्हारे लिए, फिर भी कुफर है। हाँ भेज दिया चलो, तुम्हारा नेट बंद है। ये दिलशाद भाई, ये हामिद भाई भेजो उसको। ये काफिर, ये खुद तुमने अभी कहा है कि देवबंद को इरादा करना भी कुफर है, और तुमने इरादा किया है। मैंने कहा है, हाँ ये तो तू पेश कर रहा है, तुमने तस्लीम किया ना, तुमने कहा हमारा हाँ कहना काफी है। देखो हामिद भाई, इसलिए मैं बोल रहा था ना, क्या बोला कि मेरा हाँ कहना ही काफी है, ऐलान करना जरूरी नहीं है। तुमने जो कहा मैंने तस्लीम कर लिया, हाँ कह दिया, ऐलान करना जरूरी नहीं है। यानी तुमने तस्लीम ये कर लिया कि अगर तुम दलील दे, मेरे पास दलील है ना। अरे दलील अगर हो तो भी इरादा करना, देवबंदी बनने का इरादा करना, उस पर फतवा लगा रहा है कि वो काफिर बन गया। हामिद भाई हवाला भेजो। हामिद भाई हवाला भेजो। तुमने खुद कहा है कि देवबंदी काफिर, तुमने कहा, और ये कुफर का इरादा करना भी कुफर है, और तुमने कहा मैं देवबंदी बन जाऊंगा, गोया तुम काफिर हो गए हो। ये दलील तो दे, मैं अभी बताता हूं। दे दिया देव, भेजो उसको। अगर समझ जाए, अगर पढ़ने लगे वहाबी, समझने लगे तो। अरे तू अपने मुजद्दिद के फतवों में फतवा नहीं मान रहा है, अपने मुजद्दिद का, अपने उसका कौल मान नहीं रहा है, उसका मलफूज नहीं मान रहा है। अभी तू अभी देखो उधर जाएगा, तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। अभी जो तू काफिर हुआ है, तौबा कर उससे। तू अभी काफिर हुआ है। भेज दिया। हवाला। हामिद भाई भेजो, मेरा नंबर ब्लॉक किया है। भेजो हामिद भाई। तूने बोला कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारे मुजद्दिद ने जिना का फतवा दिया है। देखो हामिद भाई, ये भी भेज दो उसको। हामिद भाई ये भी भेज दो, ये क्या हमारे मुजद्दिद पर तू इल्ज़ाम लगा रहा है। हामिद भाई हवाला भेजो। इसका मुजद्दिद ने लिखा है कि माँ से जिना कर ले, अगर कोई देख ले तो कह देना कि मुझे खबर नहीं थी, मैं नशे में डूबा हुआ था, कि माँ है कि बीवी है, ठीक है, माँ के साथ जिना करे और कह दे मैं तो ऐसा डूबा हुआ था कि मालूम नहीं कर सका कि माँ है या बीवी है। ये तो तुम्हारा मुजद्दिद कह रहा है, रसाइल रजविया, हवाला भेज दिया। रसाइल रजविया अपनी माँ से जिना करना ही जायज है। हवाला भेज। तू काफिर अब क्या करेगा, काफिर हो गए तू क्या करे, तू काफिर हो गए उसका क्या, तू काफिर हुआ उसका क्या, तू काफिर हुआ उसका क्या, तू काफिर हुआ उसका क्या, कितना भागेगा तू बता मुझसे। नहीं तू जहाँ जा रहा है मैं तुझे घेर रहा हूँ। भाग रहा, तूने जीना के बारे में कहा, मैंने तुझे तेरे घर साबित कर दिया, तेरे मुझे माँ से जीना करे तो तेरा मुझे तो पदवा दे रहा है उस पे। मैं हवाला भी, तू हवाला नहीं भी जाए तो मैं हवाला दे रहा हूँ। कहाँ हवाला तेरा कहाँ है?
हमें भेजो इसको, और तू बुखारी से हवाला दे कि अबू का मतलब और भी कुछ होता है, और अबू हुरैरा कहना, अबू हुरैरा को सिर्फ अबू हुरैरा कहना है गुस्ताखी तौहीन है, अबू हुरैरा नहीं कह सकते गुस्ताखी तौहीन है। हाँ, अबू हुरैरा कहना गुस्ताखी तौहीन है, अबू हुरैरा नहीं कह सकते, और कुछ माना इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरह मैंने अबू हुरैरा अबू अब्दुल्ला कहा, ये सही नहीं है, झूठ है। अबू हुरैरा को भी अबू हुरैरा कहना झूठ है। तू साबित करेगा इस तरह मैंने कहा अबू अब्दुल्ला तो ये मेरा झूठ है तू कह रहा है, इस तरह अबू हुरैरा का अबू हुरैरा कहना झूठ है, कोई और माना इस्तेमाल करना चाहिए। चल, अबू हुरैरा को बिल्लियों के बाप नहीं कह सकते, बिल्लियों वाला कह सकते हैं। तो अबू हुरैरा का मतलब क्या है, अबू का मतलब क्या है, हैं? तो उर्दू में क्या तर्जुमा करेगा? हामिद भाई का इनकार कर रहा है, उनका भी इनकार कर रहा है क्या? मैं मुझे हवाला चाहिए, तेरा दावा है, ये तेरा दावा है, दावा तेरा है कि सिर्फ अबू नहीं बाप ने और भी कई माना होते हैं। तूने बुखारी का नाम लिया है, हवाला दे, ये हवाला भेज दो हामिद भाई, ये हवाला भेज दो रसाले रजविया का। इसके पास देखो, मैंने हवाला भेजा है, आपके पास भेजा है। पहले कौन सा हवाला हामिद भाई? ये जो है किसी की किताब में लिखा है। चल मुकम्मल बात पढ़। हवाला भेज दो। ये मलफूज का हवाला भेजे, हामिद भाई। पहले बहस करने से पहले सोच लिया क्या, समझ, पहले मलफूज पर बात कर। पहले तो काफिर हो चुका है, एक तरतीबवार बात कर। पहले बुखारी का हवाला भेज, अल मलफूज देख, फिर इस दिन वाला इबारत का जवाब दे। अरे कहाँ है बता, नहीं भेजे क्या हामिद भाई? नहीं भेज दिया मैंने। उसने बुखारी का हवाला भेजा? जी भेज दिया। उसने बुखारी का हवाला लिया मुझसे, उसने कहा कि अबू हुरैरा को सिर्फ अबू नहीं कह सकते और भी कुछ कहना चाहिए, अबू हुरैरा कहना गुस्ताखी है, साबित करेगा वो झूठ है। उसने बोला अबू कहना, तूने झूठ बोला अली असगर, अबू तूने क्यों कहा, अली असगर बोलना चाहिए, अबू कहना झूठ है, तो अबू हुरैरा में अबू हुरैरा इस्तेमाल करना ये झूठ है, और भी दूसरा इस्तेमाल करना चाहिए। आज तक इसके किस मौलवियों ने अबू हुरैरा के नाम के साथ दूसरा माना लिया है, अबू हुरैरा नहीं लिखा है, ये साबित करेगा। इसकी धज्जियाँ उड़ाओ, क्या समझता है, अबू हुरैरा का नाम लिखना इसके यहाँ झूठ है। तूने कहा झूठ है अली असगर, तो अबू हुरैरा का झूठ है। अबू नाम का मतलब और भी होता है, तो जिसने अबू लिखा है अबू हुरैरा, वो झूठ बोला है अबू हुरैरा पर, अल्लाह करे झूठ बोला है, दलील दे। अबू हुरैरा का माना बिल्ली ने बिल्ली वाले। चल पहले तू बुखारी का हवाला दे, तेरा जेब से बात, बुखारी का हवाला दे, बुखारी देखो हमित भाई हवाला लो, हवाला लो बुखारी का हवाला, अरे सुनने का नहीं हवाला दे, सुनना नहीं हवाला दे, बुखारी का हवाला दे, सुनना नहीं, तू कज़्ज़ाब है, झूठा है, तू झूठा है, बुखारी का हवाला नहीं दे रहा है, तू हवाला दे, स्कैन भेज, स्कैन भेज, बात नहीं, जुमला नहीं, वक्त बर्बाद मत कर, हवाला, कब भेजेगा, किससे भीख मांग रहा है तू, भीख किसे मांग रहा है? नहीं तू बुखारी, मैं अभी कुछ नहीं, अभी हवाला पहले दे, पहले हवाला देखूं मैं। तूने बोला बुखारी में है, बुखारी में, तो हवा कब भेजेगा, बकबक, फिर भेज, बकबक मत कर, मैं आग लगाया तेरे मुजद्दे मरकत पे, हवाला दे, कब भेजेगा कि अबू का मतलब और भी कुछ होता है, और जो अबू इस्तेमाल नाम कर अबू हुरैरा के साथ, गोया उसने अबू हुरैरा को बिल्ले का बाप मान लिया, बिल्ले का बाप कहना गुस्ताखी है, तो सिर्फ अबू हुरैरा नहीं कहना चाहिए और भी कुछ है, तेरे किस किस मौलवी ने अबू हुरैरा के नाम के साथ और कुछ माना लिया है, हवाला दे, हम अभी भी कह रहे हैं ये गुस्ताखी है, हवाला भेज, बुखारी से हवाला भेज, अरे अब अस्तगफुरुल्लाह सामीन कहाँ कह रहा है कि अल्लाह के नबी ने बिल्ली का बाप नहीं कहा, तो अबू हुरैरा का मतलब क्या होता है, अल्लाह के नबी ने गुस्ताखी की, अबू हुरैरा की, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, सामीन कितनी बड़ी बात इसने कह दी, अल्लाह के कह रहा है अल्लाह के नबी ने भी ये नाम इस्तेमाल नहीं किया है, अल्लाह के नबी ने अबू हुरैरा नहीं कहा, अबू हुरैरा नहीं कहा, तो तेरे किस मौलवियों ने अबू हुरैरा के अलावा और कोई मना लिया है, हवाला भेज, हवाला बुखारी का हवाला दे, हवाला दे, जुमलाबाजी नहीं, लफाजी नहीं, बुखारी का हवाला दे, कब देगा, कब टाइम बता, कितना देर लगेगा तेरे को, बात नहीं, मुझे हवाला चाहिए, नहीं बात नहीं, लफाजी नहीं, इधर उधर तू झूठ बोलेगा और मस्जिद कुफरे खाड़ उतरेगा, तू पहले हवाला दे,
अच्छा मैं कुफर पर कैसे साबित उतरूं? अरे पहले हवाला दे, पहले बात लफाज ही नहीं, पहले हवाला हवाला दे, पहले बुखारी का हवाला दे, बुखारी का हवाला दे, बुखारी का हवाला। तेरे यहाँ शैतान को भी इल्म गैब है, हवाला दे, हवाला दे। शैतान को नबी मानता है खबीस कहीं का, हवाला दे। शैतान को तू नबी मानता होगा? देखे देखे हवाला दे रहा हूँ। शैतान को तूने कहा है, तुम्हारे यहाँ अहमद खान ने लिखा है शैतान को भी मालूम हो, शैतान को भी इल्म गैब दिया गया है, और तुम्हारे यहाँ इसमें लिखा है अदब मुख्य के अंदर। मैंने ये साबित कर दिया कि भाभियों में तुमने जो है जो तेरे बड़े बड़े अकाबिर उलमा इकराम अगर उन्होंने कह दिया कि जैसा इल्म गैब हुजूर पाक को है ऐसा शैतान को भी है, तो क्या कहेगा तू बता? क्या जैसा और ऐसा है? पहले तेरी धज्जी उड़ा दो, पहले तो बुखारी का हवाला दे, भाग में पहले बुखारी का हवाला दे, बुखारी का हवाला दे। ये तेरा मुझे, तेरा मुझे दीदी कहा है, तू बता ना तू क्या कहेगा? ये तेरा मुझे दीदी कहा है, तेरे मुझे दीदी कहा है। अगर हमारे किसी अकाबिर ने जैसा और ऐसा दोनों जुमले के साथ इबारत लिखी है तो वो गुस्ताख हैं, अगर तेरा मुझे दीदी का वो गुस्ताख काफिर है। गुस्ताख है हाँ, अगर जैसा ऐसा नहीं दिखा सका तो जैसा ऐसा, जैसा ऐसा नहीं है तो जैसा, फिर मरा, फिर मरा तू, फिर मरा, फिर मरा, फिर मरा, फिर मरा, फिर मरा, फिर मरा। जैसा ऐसा तेरा मुजद्दीद ने कहा है, हमारे काबिर ने नहीं। पहले हवाला दे, एक हवाला दे, हवाला बुखारी का हवाला दे, बुखारी का हवाला दे। अरे बुखारी का हवाला दे, 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 जल्दी। कितना थामीन देगा? हो गया काम, इसका हो गया, मर गया ये, ये काफिर साबित हो गया। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बोला इसने कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अबू हुरैरा नहीं कहा है, और कोई माना लिया है। अभी तक सामीन ये साबित कर नहीं पा रहा है, साबित कर नहीं पा रहा है। तेरी धज्जियां उड़ गई मरदूद खबीस कहीं का, कुछ आता होता पता है नहीं, कुछ आता नहीं तेरे को। ये हामिद भाई यह हवाला भेजो, यह हवाला भेजो उसको, हामिद भाई यह हवाला भेजो उसको, और यही जुमला तू साबित करेगा हिफ्जुल ईमान से, हमारे काबिर से ये साबित कर, हमारे काबिर से, हमारे अकाबिर ने जैसा और ऐसा कहा है। तुमने कहा जैसा इल्म नबी अलैहिस्सलाम को है, ऐसा इल्म शैतान को तूने कहा है, दोनों जुमला साबित कर दे हमारी किताब से। अब मैं साबित कर दिया, मैं साबित कर दिया तेरे घर से। जैसा इल्म रसूलुल्लाह सल्लम को है, ऐसा तो हर बच्चे ये हुसामुल हरमैन। मैंने हवाला भेज दिया है आपके पास, हवाला भेज दिया है, और मैंने अलग से भी वो भेज दिया है कि लफ्ज अबू हुरैरा का माना क्या है, बुखारी शरीफ से, बुखारी शरीफ से पता है, वो मुझे पता है। हाँ बुखारी शरीफ से, हाँ भेजो भेजो भेजो, कहाँ से भेजता है पता है, लेकिन ये फिर क्यों नहीं मानना है? अगर आपको बुखारी शरीफ, तूने कहा अबू हुरैरा कहना अबू सही नहीं है, तो और मैं, मेरा कहने का मतलब यह है कि अबू के अलावा और कौन सा जुमला इस्तेमाल किया गया है उनके नाम के साथ, तू पेश करेगा वो अबू के अलावा इस माना में किसने पेश किया है? अब तू कहेगा ना, रुक जा अभी। हाँ कब देगा हवाला? अब तूने कहा, तूने कहा हमारे अकाबिर ने कहा जैसा और ऐसा, जैसा ऐसा तेरा मुजद्दिद ने लिखा है, हमारे अकाबिर ने लिखा है, मर गया तू। अब तौबा कर कुफ्र से। जैसा ही लिखा है, ऐसा जैसा दोनों तेरे मुजद्दिद ने लिखा है, तूने कहा ऐसा इल्म, जैसा इल्म तेरे ने लिखा है, वो भी निकाल लो। अच्छा देख, तूने दो जुमला इस्तेमाल किया है, जैसा इल्म अल्लाह के नबी को, ऐसा इल्म शैतान को, ऐसा दो जुमला। हाँ चलो मैं देख रहा हूँ, चल इबारत पढ़, इबारत पढ़ो, सुन बे इबारत पढ़ेगा तू। देखो देखो सामीन, देखो ये भेज रहा है, दलील दे रहा है, मुझे बोलना मत, चल इबारत पढ़। अबू के अलावा और कोई माना, ये माना है नहीं, चल पेश कर, नहीं है माना नहीं, मैं तो इनकार कर रहा हूँ, इनकार जो नफी, नफी की दलील नहीं होती, सबूत दलील दे, साबित कर, नहीं है। देखो सामने झूठ बोल रहा है, कहाँ पे बता, निशान लगा, निशान लगा, बता, निशान दे, निशान दे कर। इसका मतलब ये है कि जो फिर ये बता रहे हैं हामिद भाई और मैं भी इकरार कर रहा हूँ, इसका मतलब फिर हम दोनों गलत हैं। नहीं यहाँ पे है ही नहीं वो जुमला, यहाँ जुमला है ही नहीं, ये जुमला है ही नहीं यहाँ पे, साबित कर। इबारत पढ़ दोगा ये हामिद भाई, इबारत कौन पढ़ेगा बताओ? हामिद भाई तू पढ़ेगा ना इसमें इबारत, क्यों तू दलील भेजेगा मैं पढ़ूं? कहाँ है पता कौन? निशान लगा, निशान लगा, निशान लगाए भेज। देख इतना बड़ा दज्जाल, देखो सामीन हदीस पर झूठ बोल रहा है, सामीन देखो हदीस पर झूठ बोल रहा है, देखो सामीन हदीस पर झूठ बोल रहा हूँ। हाँ झूठ बोल रहा है, वो जुमला नहीं है, वो जुमला जो हवाला भेजा है, ना सफा नंबर है, ना इसमें किताब का नाम है, कुछ नहीं है, नेट से लेकर भेजा है, और पढ़ भी नहीं रहा है सामीन, देखें तो हदीस गलत है ये। क्या चल इनकार कर इस हदीस का, क्या इनकार कर इसका कि हदीस, मैं बोल रहा हूँ पढ़ के सुना ना, तू तू पढ़ेगा गलत पढ़ेगा इनकार करूंगा मैं, गलत पढ़ेगा इनकार करूंगा, सही पढ़ेगा मान लूंगा मैं, और देवबंदी छोड़ दूंगा मैं, और ना तू बरेलवे छोड़, बेर छोड़, तूने वादा किया है बरेलवे छोड़ेगा तू। हाँ, चल मैं गलत हूँ, मैं तब छोड़ूंगा ना मैं। चल, चल, चल,
इबारत पढ़, इबारत पढ़, इबारत पढ़ तू, इबारत पढ़ जल्दी पढ़। अरे देखो सामीन झूठ बोल रहा है, अब ये फंसेगा इसके लिए सामीन ये पढ़ नहीं रहा है। ये सामीन उर्दू में तर्जुमा, एक बिल्ली का बच्चा का बाप मशहूर सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, इस खुद खुद इसने तर्ज भेजा है सामीन। वो गलत है क्या? सामीन भी सुन रहे हैं जो मैंने भेजा है, हाँ? हजरत अबू हुरैरा, ये जो है बिल्लियों के बाप नहीं है, बिल्ली वाले हैं। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, तूने क्या, तूने क्या भेजा है? उर्दू, उर्दू पढ़ तू। एक बिल्ली का बच्चा का बाप क्या लिखा है? हामिद भाई, हामिद भाई, इसने यही भेजा है ना कि एक बिल्ली का बच्चा का बाप मशहूर सहाबी सैयदना अबू हुरैरा, यानी यहाँ बाप लिखा है ना, बाप लिखा है ना। मुझे बोल रहा था बाप सही नहीं है और इस खुद उर्दू तर्जुमा भेजा है बिल्ली का बाप। अभी बोल रहा था कि अगर मैं हवाला भेज दूंगा कि बिल्ली का बाप के अलावा कोई और माना है, बरेलवी छुट्टबंदी बन जाएगा। मैंने कहा बाप के अलावा कोई और माना तूने कहा है, भेज तू। मैंने कहा बाप, तूने कहा बाप कहना सही नहीं है। हामिद भाई, हामिद भाई, फंसा कि नहीं फंसा, बताओ फंसा, बताओ। इसने तर्जुमा भेजा है, उस पर लिखा है बिल्ली का बच्चे का बाप कौन? मशहूर सहाबी अबू हुरैरा। अभी यही नहीं समझा तू, मुझे समझा ना, जो जो बोला है दावा, दलील, दलील दे, दलील दे, दावा क्या दलील दे उसकी, दलील दे, दलील दे, दलील दे। हाँ तो उसमें तो बाप कह रहा है कोई और माना नहीं है, फंसा तू ना, छोड़ बरेलवी, तौबा कर बरेलवी से, देवबंदी बन, देवबंदी बन, देवबंदी बन। हाँ फिर मेरा कौल साबित हुआ ना, मेरा दावा साबित हुआ ना, तूने दलील दे दिया ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो हामिद भाई, देखो ये मुफ्ती है गुलशाद रजा, मेरे दावे पर दलील खुद दे दिया ये। मैंने कहा अबू हुरैरा का मतलब बिल्ली का बाप, हाँ तूने तर्जुमा किया उसी का, नीचे उर्दू में भेजा तर्जुमा भेजा है, तूने तर्जुमा भेजा है उसी का तर्जुमा है ये। हाँ तर्जुमा है, हाँ तर्जुमा है। एक फोन आ रहा है, रुको फोन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी कौन? हाँ से बात कर रही हूँ, बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश। अरे फोन फोन काटे जरा, ये आ रहा है मेरा, चालू फोन चालू है, फोन काटे जल्दी, फोन काटे, चलो बोलो बोलो। हाँ बोल, हाँ कहाँ भाग गया? एक फोन आया था, फोन आया था, चलो हाँ बोलो, चलो पढ़ो इबारत पढ़ो। तुमने जो इबारत अरबी में भेजी है उसका तर्जुमा भेज दिया है, तुमने खुद मेरा दावा साबित कर दिया। कौन तर्जुमा कौन कर, तुम करोगे, तुमने भेजा है, तुमने भेजा है, तुमने भेजा है, तुमने भेजा है, तुमने भेजा है। सामीन देखे, इसने तर्जुमा भेज कर साबित कर दिया है, इसमें वो जुमला नहीं है क्या? जो मैंने उर्दू में भेजा है ये वो है जो वहाबियों का अकीदा है, जो वहाबी अली असर बोल रहा है। हाँ जो मैंने कहा है, जो मैंने कहा है वो तो मैंने हदीस भेज दिया ना। हाँ वो अली असर से पढ़ी नहीं आ रही है, उसने कहीं लिखा है ये कहा? हाँ उसने भेज दिया है, खुद मेरा दावा उसने भेज दिया है, साबित कर दिया है कि आप बिल्ली का बच्चे का बाप कौन? मशहूर साहबी, खुद भेजा है सामीन, खुद भेजा है इसने। इसने कहा था कि अबू, अबू का मतलब सिर्फ बाप नहीं और कोई माना होता है। मैंने कहा साबित कर, मेरा तो मेरे मांगे अबू का मतलब बाप ही होता है, और इसने दलील मेरे मुताबिक भेजा है और साबित कर दिया है, साबित कर दिया है। अब तुझे बरेलवी छोड़ना है गुलशाद रजा, छोड़ दे, छोड़। बिल्लियों का बाप, हाँ का ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है कि वहाबी का अकीदा है, ये कहाँ लिखा है वहाबी का अकीदा है, साबित कर। ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, अब ये कहाँ लिखा है, साबित कर तू वहाबी का अकीदा है। फिर तू वहाबी साबित हो गया, तू फिर तर्जुमा करना कहाँ है, तू दलील, दलील का मुद्दई तू, मुद्दई है, दलील दे, गाली नहीं, दलील, दलील दे, दलील दे, दलील दे, दलील दे, दलील दे। तो अबे हदीस भेज दी मैंने, यही तो दलील तो है। कौन तर्जुमा कौन, उसमें है नहीं जुमला, उसमें दूसरा कोई नाम है नहीं, उसमें दूसरा कोई नाम नहीं। अबा हुरैरा व मशहूरुन अनहु अन्नहु कुनिया बऔलादिहि हुर्रा बरीरा, इसमें लिखा है कि मशहूर सहाबी अबू हुरैरा उनकी कुनियत क्या थी, क्या बिल्ली, बिल्ली या अबा हुरैरा, बिल्ली का बाप, बिल्ली का बाप, अबा हुरैरा बिल्ली का बाप, बिल्ली का बाप, बिल्ली वाले वाले कहाँ है, बिल्ली वाले वाले कहाँ है, वाले कहाँ है, ये अबा का माना वाले ही है। कहाँ तो तर्जुमा, तर्जुमा भेजना, तर्जुमा तूने भेज दिया ना, तेरे तर्जुमा भेज दिया ना, वो तर्जुमा उसी में है कि बिल्ली का बाप, बिल्ली का बच्चे का बाप, तूने तर्जुमा भेजा है, तर्जुमा वाले का, वाले का, वाले का मतलब भेजा। अगर सुन, हाँ तर्जुमा बता रहा है इसे क्या,
तर्जुमा तूने खुद कर दिया है उर्दू में भेज करके, हामिद भाई ने देख लिया है, हामिद भाई ने देख लिया है, तूने लिखा है बिल्ली का बच्चे का, एक बिल्ली का बच्चा का बाप मशहूर साहबी सैयदना अबू हुर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु, तूने खुद लिखा है तलफ़ुज़ अबू हुर्रा जिनसे लड़का ज़बान अरबी, तूने खुद भेजा है अपने दावे पर दलील मेरे मुताबिक दिया है, अपने दावे पर तेरी दलील तेरे दावे खिलाफ है। ये तो वो लिखा है, इसका तर्जुमा थोड़ी है। तो क्या है ये, क्या है तूने भेजा है ये इसका तर्जुमा नहीं है, माना है उसका, माना है अबू हुर्रा का माना है ये। हामिद भाई देखो मैं फिर दोबारा भेज रहा हूँ, वही वही स्कैन भेज रहा हूँ निशान लगा करके, उसने क्या लिखा है देखें, उसमें क्या लिखा है, खामोश रहा तो खबीस कहीं का। देखो सामिन ये देखो, ये निशान देखो ये हामिद भाई, ये निशान देखो, ये मेरा नाम ब्लॉक किया है, ये निशान देखो क्या लिखा है, देखो निशान लगाया, माना अबू हुर्रा का माना, नाम अबू हुर्रा और माना लिखा है, क्या माना लिखा है, एक खामोश रहा मैं बोल रहा हूँ, खामोश रहा ये हामिद भाई, इसने भेजा है अबू हुर्रा नाम है, माना क्या है, एक बिल्ली का बच्चा का बाप मशहूर सहाबी सैयदना अबू हुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसने खुद भेजा है, नाम भी बता दिया, माना भी बता दिया, और इसका हाँ अब तर्जुमा है नहीं, फिर क्यों भेजा तूने, अरे माना लिखा हुआ है, माना का मतलब क्या है, अरे क्यों तुमने मेरे, हाँ मेरे मुताबिक दलील तुमने दे दिया माशाल्लाह, हाँ तो मतलब मैंने जो बोला है वही दलील तुमने दिया ना, मैंने जो बोला तुमने वही दलील दिया, तुम अपने दावे पर अभी तक क्या तू हदीस सही है लेकिन उसमें वो माना नहीं है, तूने जो भेजा वही माना है, तूने जो भेजा है मेरे दावे के मुताबिक वही माना है, तेरा दावा का दलील कहाँ है, मैंने कहा कि मेरा दावा है क्या, हदीस मैंने भेजी वो हदीस सही है, उसका दावा कर रहा हूँ मैं, उसका माना तूने भेज दिया है कि अबू हुर्रा मतलब बिल्ली के बच्चे का बाप जो मेरा दावा था वही दलील तेरी है, अब चल तौबा कर, अब बरेलवे छोड़ हामिद भाई उसको बोलो बरेलवे तौबा करे, तौबा करना बोलो बरेलवे से, तौबा करना बोलो, हकीम उम्मत का भेजा है पहले इस पर भागा सामिन, देखो इसने कहा था बिल्ली का अबू हुर्रा का अबू का मतलब, अबू का मतलब सिर्फ बाप नहीं होता, कई माना होता है, लेकिन इसने दावे पर दलील नहीं दिया, मैंने कहा था बाप होता है, इसने मेरे मुताबिक दलील दिया है, अभी तक सामीन अपने दावे पर दलील दे नहीं पा रहा है, उसने जो अरबी बारात भेजी मैंने वो पढ़ भी दिया, उसमें अबा हुर्रा उसका मतलब नीचे दिया है बिल्ली का बच्चे का बाप, अभी तक इसने अपने दावे पर दलील नहीं दिया है कि अबू का मतलब और कुछ होता है, तो क्या माना होता है, वाला जुमला ये तर्जुमे में नहीं है। अब हमिद भाई अगर जो इसने तर्जुमा भेजा है माना लिखा है उसमें, अगर इसमें अबू का मतलब वाला है मुझे आप बता दें, मैं तौबा कर लूंगा, बताएं, अबू का माना सिर्फ, मैं अभी भी कह रहा हूँ अबू का माना सिर्फ बाप नहीं होता है, तो भेजा कहाँ तू तूने जो माना भेजा है उसमें तो वही लिखा है बिल्ली का बच्चे का बाप, तू तेरे कहने से क्या होता है तूने दलील मेरे दावे पर दिया, अपने दावे पर दलील नहीं है, लफाजी कर रहा है, जुमलेबाजी कर रहा है, भाग रहा है, हामिद भाई क्या वो तुम वहाँ भागे इसलिए तुमने वहाँ भागे थे हामिद भाई ओ हामिद भाई, अरे हामिद भाई अरे एक मिनट आप उसको पूछे, एक मिनट तक मेरे पर्सनल पे देखें आप क्या बोला, मैं लिखा हूँ, आप उसको एक मिनट मनवाए, वो भागा खुद वहाँ पे, उसने तर्जुमा जो भेजा है उसके हदीस के मुताबिक उसने भेजा है, वही माना भेजा है मेरे दावे के मुताबिक, उसके दावे पर दलील मंगवाएं, एक मिनट तक मैं खामोश रहता हूँ, आप उस दलील मांगे उससे, एक मिनट मैं खामोश रहूंगा, दलील मांगे, उसने तो दावा पेश किया, दलील नहीं है, मेरे दावे के मुताबिक उसने दलील भेजी है, बिल्ली का बच्चे का बाप मशहूर साहबी अबू हुर्रा,
उसने दावा किया कि इसका और भी माना होता है, वो माना कहाँ, वो भेजे लफाज ही नहीं। एक मिनट खामोश रहूंगा, आप उससे बात करें। जी मुफ्ती साहब बताइए। हेलो। जी जी मुफ्ती साहब बताइए। खामोश हो गए ना ये? जी। अब मुझे एक बात बताइए आप, जो मैंने हदीस पाक भेजी है वो जी, और मैं अभी भी जो है उसका इकरार कर रहा हूँ कि हदीस पाक सही है, और उसका माना ये है कि बिल्ली वाले, अब इसका अकीदा उर्दू वाली इबारत पे है जी। इसका जो अकीदा है वो उर्दू वाली इबारत पे है। बात वो नहीं है, नहीं आ गए ना, आपने बोला कि इसका मतलब होता ही नहीं है, बाप नहीं होता है। आप जो सवाल उसको दलील मांगे उससे मैं खामोश हो रहा हूँ। लफ्ज अबा का माना बिल्ली वाला नहीं होता है, बाबियों की ही किताब है ये। देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो झूठ बोल रहा है हामिद भाई। हामिद भाई, हाँ हामिद भाई मैंने ऐसा बोला है कि बिल्ली का ये अबू का माना और कुछ नहीं होता है। मैंने कहा तुमने जो दावा किया दलील दोगे फिर मैं इनकार और इकरार की बात करूंगा। मैं इनकार इकरार कब करूंगा जब तुम दलील दोगे? मैंने ना इकरार किया ना इनकार किया है। क्या वो दलील मैंने ही भेजी है जो अरबी भारत में है? तर्जुमा में क्या है? और यही दलील है और इसको माना है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मैं क्या बोल रहा हूँ। तुमने जो दलील भेजी है इसका मुसन्निफ कौन है? अरे भाभी है, तो देखना उसे मेरा दिल्ली भी भेज दिया। नहीं, तुमने जो अरबी बारात भेजी इसका मुसन्निफ कौन है? इसका मुसन्निफ कौन है? भाभी। नाम क्या है उसका? मुसन्निफ के नाम पे भेज चलेगी कि? देखो हामिद भाई, देखो आप बताएं मुझे। चलो ठीक है, पहली बात अब बोलो, तुमने भेजा है जो हवाला वहाबी का भेजा है, वहाबी हमारे नजदीक मोतबर नहीं है। फिर भी बोल रहा है यार। अभी जो तूने फिर मुझे भेजा था कि तेरे जो मुजद्दिद ये कहा है और वो कहा है, वो किसने भेजा था? हाँ खामोश रहो। तुम्हारी किताब से? तुझे मनवाने के लिए मैं किस किताब से भेजूंगा? मैं देवबंदी किताब से भेजो। देवबंदी किताब से? नहीं, तुमने बोला वहाबी किताब है, वहाबी का नाम लिया है। हामिद भाई खामोश रहा। तुमने कहा कि वहाबी की किताब है, तो वहाबी देवबंदी अलग होता है। तुम्हारे जाल हक में तो तकलीद के बाब में अहमद यार खान नईम ने लिखा है वहाबी मान जाते हैं, देवबंदी मान जाते हैं, वहाबी नहीं मानते। यानी वहाबी देवबंदी में इतना फर्क तुमने तुम्हारे हकीमुल उम्मत ने पेश किया है, तो देवबंदी वहाबी में फर्क है। तुमने वहाबी का हवाला पेश कर हमें ये कर लगा रहे हो, हमारे तो मोतबर नहीं है जो तुम उसको हवाला उसको हुज्जत बना रहे हो। अब तुमको पूछ रहा हूँ इसका मुसन्निफ कौन है, बताओ तुम। अच्छा, मुसन्निफ कौन है? अरे मुसन्निफ कौन है? वहाबी का इनकार कर रहा हूँ मैं, हम वहाबी को नहीं मानते, वहाबी हमारे मोतबर नहीं है। ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा है। हाँ तो ये इसका मुसन्निफ कौन है? मुसन्निफ कौन है इसका? देखो सामीन, देखो मुसन्निफ का नाम बता नहीं पा रहा है, किताब का नाम क्या है? किताब का नाम क्या है? किताब का नाम किसमें लिखा है? उसमें हाशिया भी लिखा है। कहाँ लिखा है बताओ सही ना। कुछ पेश आपको पेश किया है क्या हामिद भाई की मुसन्निफ का नाम, किताब का नाम पेश किया आपको? हामिद भाई है, किताब का नाम है। कहाँ है नाम किताब का? किताब का नाम है। तो उसको नाम पेश नहीं, नाम बता क्यों नहीं रहे हो? किताब का नाम क्या है, मुसन्निफ का नाम बता क्यों नहीं रहे हो? अब तुझे ये भी नहीं आ रहा है? अरे मुझे देख, कहाँ किताब का नाम बता, मुसन्निफ का नाम बता, सब मैं करूँगा। तू हवाला देगा, तू मुद्दई है, दलील तू देगा और तेरा काम मैं करूँ। तो मुसन्निफ का नाम क्या है, किताब का नाम क्या है? अब तू हवाला भेजा, तू हवाला भेजा वहाबी का। अरे अरे हामिद भाई, इसको बोले कि वहाबी हमारे नजदीक मोतबर नहीं है, देवबंदी किताब पेश कर। अरे भाई देवबंदी है, ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा है। तो किताब का नाम बताना, मुसन्निफ का नाम बताना। दारुल उलूम देवबंद का फतवा है। क्या है? क्या है इसमें किताब का नाम भी लिखा है? हाँ नाम बताना, किताब का नाम बताना। नाम क्यों नहीं पढ़ा, उर्दू नहीं पढ़ रहा तेरे को? मुसन्निफ का नाम कितना बता। नीचे लिखा है ना? अरे नाम पढ़ दे ना, मुझे हवाला नहीं है, मैं क्या देखूँ? मैं तो
अरे मेरे पास हवाला नहीं है, किताब का नाम बता, मुसन्निफ का नाम बता, पढ़ तू। नहीं किताब का नाम बता, मुसन्निफ का नाम बता, किताब का नाम बता, मुसन्निफ का नाम बता। हामिद भाई मैंने हवाला किताब का नाम ही भेज दिया ना, मैंने इसको दिखाओ। तो पढ़ता क्यों नहीं तू, तू पढ़ता क्यों, मुफ्ती है ना, पढ़ता क्यों नहीं किताब का नाम मुसन्निफ का। अभी तो वहाबी का हवाला पेश कर रहा था, तू मुझे मुफ्ती मानेगा वरना नहीं मानेगा। क्या अगर मैं किताब का नाम बताऊंगा तो हाँ? तू मुझे मुफ्ती मानेगा वरना नहीं मानेगा। अभी तुझे एक तुझे दावा में मांगा, वादा किया तूने तू देवबंदी बनेगा, वो भी नहीं किया तू, तो काफिर हो गया तू। का वादा किया था तू कि देवबंदी बनेगा बरेलवी छोड़ करके। अबा का माना क्या है वो मैंने आपको जो है भेज दिया है। तो तूने जो भेजा है, तूने जो भेजा है, ये जो इनकार कर रहा है देवबंद का नहीं है, ये देवबंद का ही है। किताब का नाम पूछे, किताब का नाम मुसन्निफ का नाम पूछे उससे, पूछे अभी वहाबी का भेजा, वहाबी का भेज के हम पर हुज्जत कायम कर रहा है। किताब अरे अरे वो क्या है, तू पढ़ के सुना है तब ना मैं कहूंगा, मैं तू पढ़ता नहीं है ना, किताब का नाम ले रहा है ना मुसन्निफ का नाम ले पा रहा है, तो वहाबी को भेज करके, वहाबी का हवाला भेज करके हम पर तू हुज्जत कायम कर रहा है, इतना बड़ा बेवकूफ मुफ्ती बन रहा है। अरे तू भेज रहा है, तू पढ़ के मैं पढ़ूंगा, सब मैं पढ़ूंगा। ऊपर तूने हवाला भेजा अरबी में, मैंने पढ़ दिया उसमें, वो उसमें बिल्ली वाले नहीं है, अबू हुरैरा लिखा है, अबू का मतलब बाप होता है अरबी में भी, या अबती या अबती या अबती या अबती। अब तेरी जिम्मेदारी है, तू भेजेगा तू पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा। तुझे अगर नहीं पढ़ना, उर्दू नहीं पढ़ने आती है, अरबी नहीं पढ़ना, मुनाजिर कैसे बन गया, मुफ्ती कैसे बन गया तू, खाली ये फातिहा पढ़ पढ़ करके कुरान खानी कर तू मुफ्ती बन गया है। हामिद भाई, हामिद भाई उसको बोलो मुसन्निफ का नाम बताए, मुसन्निफ का नाम बता, किताब का नाम बता। नहीं नाम बता ना, नाम बता, मुसन्निफ कौन है, मुसन्निफ कौन है, मुसन्निफ कौन है, किताब का नाम क्या है, तुझे नहीं पता कि कौन मुसन्निफ है तेरे। तू भेज रहा है, तू बता, मैं बताऊंगा। हाँ कैसे पता चलेगा मेरे को। हामिद भाई जब मैंने किताब का नाम भी भेज दिया, काम नहीं आया, मेरे पास नहीं आया, नाम बताओ। तो नाम पढ़ने में तुम्हें मौत क्यों आ रही है, किताब का नाम पढ़ने में। मैंने किसे बताया, रसायन रजविया, हुसामुल हरमैन हवाला भेजा, नूरुल इरफान का हवाला भेजा, शैतान को शैतान की इल्म के मानते हो, और नबी अलैहि सलाम तआला कहा गया जैसा इल्म अल्लाह के नबी को वैसा इल्म शैतान। अरे मैं किताब का नाम बता रहा हूँ, किताब तू नाम बताना, किताब का नाम बता, किताब का नाम बता, किताब का नाम बता, नहीं नहीं आया मेरे पास, किताब का नाम बता, मुसन्निफ का नाम बता, हो गया इसका काम हो गया। हामिद भाई ये ना उर्दू पढ़ सकता है, न अरबी पढ़ सकता है, न अपने दावों पर दलील दे सकता है, ये मेरे दावों पर दलील दे दिया है, माशाल्लाह हो गया काम इसका, हो गया। चलो हामिद भाई का काम हो गया, मैं तीन तक गिनूंगा। हामिद भाई आप तीन तक गिनो। हाँ कौन बताया, किताब का नाम, किताब का नाम भी इसमें लिखा है। अरे पढ़ो ना क्या लिखा है, क्या लिखा है वहाँ पे, क्या लिखा है। हामिद भाई आप किताब का नाम मैं बता दूँ। हाँ बताओ ना, किताब का नाम मुसन्निफ का नाम बताओ, किताब और मुसन्निफ। किताब के मुसन्निफ का नाम शमसुद्दीन ज़हाबी है। हाँ वो बड़े अकाबिर है, किताब का नाम है तेरे आलम नबला, देवबंदी का अकाबिर है। देवबंदी का काबिर है वो, हाँ चलो 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो चल चलो, अब मैं बोलूँ ठीक है अब मैं बोलूँ, ठीक है हामिद भाई उसने हवाला भेजा है, हामिद हवाला भेजा, हामिद भाई अपनी ज़बान पे एग्री, हामिद भाई हवाला भेजा उसने, भेज दिया बहुत पहले। हाँ हवाला भेजो, मेरे को भेजो तो वो जी ठीक है। अल्लामा ज़हबी, अरे सुनो यार, सुनो यार अरे सुन ना, गाली मत दे, सुन बद्दुआ औरत की तरह बद्दुआ मत दे, रंडी औरत की तरह बद्दुआ मत दे, सुन अब मैं बोलूँ सुन। चलो हामिद भाई
इसने क्या बोला? हवाला नहीं, मेरे हवाला नहीं आया मेरे पास, हवाला नहीं आया मेरे पास, हवाला नहीं आया मेरे पास, हवाला नहीं आया। चलो हामिद भाई, ये हवाला मुझे आप दो और ये हवाला उसको भेज दो, ये हवाला उसको भेज दो, ये हवाला उसको भेज दो। हामिद भाई, हामिद भाई, हामिद भाई, जी जी जी, ये मैं हवाला आपको दिया, आपका नेट बंद है शायद, ये हवाला भेज दो, वो हवाला मुझे दो आप। अच्छा वो हवाला मुझे दो। उसने कहा अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी है, ठीक है ना? कहा ना उसने देवबंदी अकाबिर का, ये बेरल भी नहीं है ना? और तुम्हारा खामोश रख, एकदम एकदम खामोश रहा, खामोश, मेरे पे हवाला नहीं आया अभी तक। उनको मानता हूँ मैं, उनको मानता हूँ, उनको हाँ मानता हूँ। हाँ अब तो खामोश रहो ना, अब तो खामोश रहो ना। अरे भाई भाई आप मुझे बताएं, ये जवाब नहीं दे रहा है, ये जवाब नहीं दे रहा है, भाग रहा है यहाँ से वहाँ। हाँ 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 हाँ, अब जवाब दूँ ना मैं? अरे मान रहा हूँ भाई, अरे खामोश रहो ना। अरे अब तो मैं माल, अब खामोश रहो, अब खामोश रहो ना, अब खामोश रहो ना। आपने भी इस बात को कहा कि आप तो नाम पढ़ने में क्या जा रहा है? अरे खामोश रहो। चलो अल्लामा ज़हबी का तुमने हवाला दिया और अल्लामा ज़हबी को तुमने देवबंदी कहा, आपने मेरी ज़बान से सुना था, ये खामोश क्यों नहीं रहा है? हाँ जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहो, खामोश रहो, जवाब दे रहा हूँ। चलो चलो ठीक, अरे जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहो, खामोश रहो यार, जवाब दे रहा हूँ। हाँ खामोश रहो, खामोश रहो, सब खामोश रहो यार। हाँ मानते, हम मानते, अब खामोश रहो ना हामिद भाई, खामोश रहो ना, खामोश रहो ना, खामोश रहो ना। अल्लामा ज़हबी को उसने कहा देवबंदी है, ठीक है? और देवबंदी नहीं है, वो शमसुद्दीन ज़हबी है। हाँ शमसुद्दीन ज़हबी, हाँ शमसुद्दीन ज़हबी है। तुमने कहा हवाला नहीं आया मेरे पास, हवाला नहीं आया मेरे पास, मेरे पास खामोश रहो, जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहो, जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहो ना, खामोश रहो ना, खामोश रहो ना यार, खामोश रहो ना, अरे खामोश रहो ना, जवाब दे रहा हूँ, जवाब लो, अरे जवाब लो यार, जवाब, मर क्यों रहे हो, जवाब लो, मर क्यों रहे हो, मर क्यों रहे हो, जवाब लो, मर क्यों रहा है, जवाब ले। भागा कौन, भागा कौन, भागा कौन, भागा यहाँ से 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 कौन, भाग रहा है कौन, भाग रहा है, भाग गया, भाग गया सामीन, देखो भाग रहा है, भाग रहा है, देखो खामोश रहो, खामोश रहो, मैं जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहो, जवाब दे रहा हूँ, खामोश, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा, जवाब दे रहा हूँ। शमसुद्दीन ज़हबी जी, जी शमसुद्दीन ज़हबी को मानते हो आप मुफ्ती साहब? अगर मुझसे पूछ रहे हैं, हामिद भाई अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप मुझसे ये पूछ रहे कि आप शमसुद्दीन ज़हबी को मानते कि नहीं मानते? हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे भाई मेरे हवाला भेजा है ना, मेरा काम हवाला भेजना था। डर रहा, डर रहा, अच्छा मतलब मैं डरूंगा या नहीं डरूंगा तो उससे क्या हो जाएगा? जवाब नहीं दे रहा यार, जवाब नहीं दे रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप उनको मानते हो, मुसलमान मानते हो आप शमसुद्दीन ज़हबी को? शमसुद्दीन ज़हबी को? हामिद भाई देखिए, अब मैं आपको बता दूँ, शमसुद्दीन ज़हबी काफिर है, कौन है मैं नहीं जानता। बगैर कुफर के मैं ना तो उस पर कुफर का फतवा लगा सकता हूँ और ना ही ना, ना, तो फिर एक कबीर की बात आपके नजदीक हुज्जत कैसे हो गई? अच्छा ठीक है, मेरे लिए हुज्जत नहीं है, वो इसके लिए हुज्जत है भाई। भाई हामिद भाई मेरी बात हुज्जत तब होगी जब आप ये कहोगे कि हाँ शमसुद्दीन ज़हबी देवबंदी है और आप उनको मानते नहीं मुसलमान। अच्छा ठीक है हामिद भाई, मुझे एक बात बताए ना, मुझे एक बात बताए। हाँ जी, अभी जो आपने भी जो है इसके जरिए मेरे पास स्क्रीन शॉट भेजा था जी, जी। मलफूज का जो स्क्रीन शॉट भेजा था, तो आप हुज्जत मानते हैं क्या आला हज़रत को? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए हुज्जत है। अरे भाई तो फिर हमारे आपने ये गाड़ी शमसुद्दीन ज़हबी देवबंदी है, देवबंदी अकाबिर, देवबंदी अकाबिर है, देवबंदी अकाबिर है, शमसुद्दीन ज़हबी देवबंदी है और देवबंदी बरेली होगी, देवबंदी अकाबिर बोला उसने हामिद भाई। शमसुद्दीन ज़हबी जो है मुसलमान है तो मैं उससे पूछूंगा ना कि भाई आपका मुफ्ती तो फतवा देगा क्या शमसुद्दीन ज़हबी? अभी जो मैंने आपसे कहा वो आपने नहीं सुना? मैं जवाब दूं हामिद भाई, हामिद भाई, हामिद भाई, हामिद भाई, अब खामोश, मैं जवाब दूं, मैं जवाब दूं, हाँ चलो मैं जवाब दे रहा हूँ। इसने कहा कि शमसुद्दीन ज़हबी जो है देवबंदी अकाबिर है, ठीक है, ठीक है।
अब मैंने एक हवाला भेजा है देवबंदी मजहब, ये इसके मुनाजिर इस्लाम हजरत मौलाना गुलाम मेहर अली साहब, ठीक है, सफ़ा नंबर ये 82 के अंदर लिखा हुआ है। देवबंदी के 6 इमाम 6 अकाबिर, कितने अकाबिर? 6 अकाबिर, मौलवी मोहम्मद इस्माइल, मौलवी मोहम्मद कासिम, मौलवी रशीमत गंगोही, मौलवी खलील अहमद अम्बेटवी, मौलवी अशरफ थानवी, हुसैन अहमद, ये 6 अकाबिर का नाम लिखा है, उसमें शमसुद्दीन ज़हबी का नाम लिखा नहीं है, ठीक है। इसने कहा कि 6 अकाबिर, इसने कहा तुम्हारा शमसुद्दीन ज़हबी जो है तुम्हारा अकाबिर है, जबकि इन अकाबिर में इनको शुमार नहीं किया है, और ये अपने अकाबिर के खिलाफ ये जो दलील पेश कर रहा है, अकाबिर बना रहा है। जब खामोश रहो, खामोश रहो, जवाब दे रहा हूँ, हवाला हामिद भाई भेजा, हामिद भाई हवाला भेजाऊँ मैं, हामिद भाई भेजाऊँ मैं, हामिद भाई हवाला दो, हामिद भाई हवाला दे भाई, तुम्हारा नेट चालू करो ना, तुमको भेजूँ मैं, बोल रहा है तुम्हारा नेट चालू करो ना, तुमने क्यों मेरे बोला की ब्लॉक किया है, तुमने मुझे क्यों ब्लॉक किया है, किसको? तुम अपना नेट चालू करो ना गुलशाद, हम काफिरों से दोस्ती नहीं रखते ना, तो फिर तुम डर क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो? मतलब जो नेट चालू रखे हो काफिरी दोस्ती करता है वो, जो नेट चालू रखे काफिरी दोस्ती कर रहा है। देखो इसने क्या वसूल पेश कर दिया, जो दौरान गुफ्तगु देवबंदी के साथ अगर नेट चालू रखे तो गोया वो काफिर से दोस्ती रख रहा है, नया वसूल पेश कर दिया इसने। चल चल तू एक काम कर, अब अल महफूज का हवाला जवाब दे, अल महफूज जवाब दे, चल जवाब जवाब दे, हवाला भेजा हमें, तुम तेरे को भेजा, हमें देखो भेजा, अल महफूज मैंने भेजा, अल महफूज, अल महफूज, अल महफूज, अल महफूज पढ़, अल महफूज पढ़, अल महफूज पढ़, अल महफूज पढ़, ऐसे तो तू भी पढ़ लेता, उस किताब का नाम जाहिल, मैं पढ़ूं, भेज दिया, भेज दिया, तेरे पर्सनल पे तो पहुंच चुका है, पहुंच चुका है तेरे पर्सनल पे, पहुंच चुका है, मुझे हवाला चाहिए, पहुंच चुका है, 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 देखो सामिन किस तरह भाग रहा है, देखो पहुंच चुका है, पहुंच चुका है, ये अल महफूज है, इसको भेज दिया है, इसने खुद कहा है कि हामिद भाई आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा है अल महफूज का, ये देखो खुद तस्लीम किया है इसने, और बोल रहे हवाला नहीं आया है, इसमें लिखा है कि मुनाजरा के दौरान शर्त तय करना कि तुम्हारे मजहब को कबूल कर लूँगा ये हराम है, अगर दिल में ये है कि दूसरा गालिब होगा तो वो शख्स अपने मजहब को छोड़ देगा तो ये कुफ्र है। अइम्मे किराम तस्री है कि जो शख्स कुफ्र का इरादा करे वो भी काफिर हो गया, वो भी काफिर हो गया। अब तूने कुफ्र किया है, जवाब दे इसका, जवाब जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे, तूने कुफ्र किया है, जवाब दे इसका। अगर ये दलील है, सुन, काफिर कोई काफिर बोल दिया यार, हाँ देवबंदी बोल दिया, मैंने हामिद भाई मैंने आपसे कहा था मैं शमसुद्दीन ज़हबी के अकीदे को नहीं जानता। तुमने कहा देवबंदी अकाबिर है, तुमने कहा अकाबिर है, तुमने कहा देवबंदी अकाबिर है, तुम्हारा देवबंदी अकाबिर काफिर नहीं है, देवबंदी अकाबिर तुम्हारा से काफिर नहीं है, या तो हामिद भाई आप बोलिए या फिर ये बोलिए। नहीं तूने कहा था देवबंदी अकाबिर है, देवबंदी अकाबिर है शमसुद्दीन ज़हबी, तो देवबंदी अकाबिर तुम्हारे नजदीक काफिर नहीं है। अगर बात करनी है तो हामिद भाई तरीके से बात करें। तूने कहा देवबंदी काफिर है, शमसुद्दीन ज़हबी देवबंदी अकाबिर है, और तुम्हारा देवबंदी अकाबिर काफिर है। चिल्लाना तू भाग रहा है यहाँ से वहाँ, तूने कहा देवबंदी काबिर है शमसुद्दीन ज़हबी, तूने कहा देवबंदी काबिर है शमसुद्दीन ज़हबी, और तुम्हारे नजदीक देवबंदी काबिर काफिर है, और ये बोल रहा है मुझे तहकीक नहीं है बोलता है। काम हो गया तेरा, चलो ये हामिद भाई, हामिद भाई आप बात करो, काम हो गया इसका। कहाँ भेजा हवाला नहीं है, हवाला नहीं है, हवाला आया नहीं, तू क्यों नहीं भेज रहा है, तू क्यों नहीं भेज रहा है, नहीं तू ब्लॉक किया मुझे क्यों, तू मुझे भेज, तो उन्होंने कहा कि मैं रास्ता में चल रहा हूँ नेट बंद है, तुम भेजो ना, तुम भेजो ना, तुम क्यों नहीं भेजते मेरे पर, तुम्हारे पास में कितने हवाले मैंने भेज दिया नेट बंद रखा है डर के मारे। हाँ तो आप इनके पास 15 मिनट में भेज दो या आप 1 घंटे में भेज दो, मैंने तो आपके पास भेज दिया। चलो अल हामिद भाई, हामिद भाई सुनिए मैंने ये जो स्क्रीनशॉट भेजा है मेरा अकीदा क्या है ये मसला अलग है, मैं हामिद भाई मेरी बात सुनिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ समझिए, बात चल रही थी लफ्ज़ अबू हुरैरा पे,
शमसुद्दीन ज़हाबी कौन है, उनका अकीदा क्या है, उनके अकीदे पर बहस नहीं कर ली थी। क्यों देवबंदी काबिर कहा तुमने? तुम्हारा देवबंदी काबिर काफिर है? देवबंदी काबिर कहा तुमने? काबिर मानते हो उनको भाई? देवबंदी काबिर मानते हो उनको? कौन? हाँ बोलो। आपने बोला वो देवबंदी काबिर है। हाँ अब ले आप लपेटे उसको, लपेटे। आपने बोला वो देवबंदी काबिर है और देवबंदी आपकी नजर में काफिर, तो अगर शमसुद्दीन ज़हाबी है देवबंदी तो वो हो गए काफिर, तो आप उनका हवाला कैसे भेज रहे हो हमारे पास? पहली बात तो ये नहीं, वो मसला नहीं है हामिद भाई, हामिद वो मसला नहीं है, हमें वो मसला नहीं है। जब देवबंदी अकाबिर है वो शमसुद्दीन ज़हाबी, और इसने कहा कि मुझे तहकीक नहीं इसके मुतालिक मुसलमान है कौन है, फिर कुछ काफिर हो गया। देवबंदी अकाबिर के कुफर पर शक करना इनके यहाँ हिसाब हम लिखा है काफिर है कुफर है, पता नहीं खाली असर का भी पता नहीं। अगर मुझे इसके अकीदे का पता नहीं है, लेकिन वहाबी देवबंदियों ने इसी किताब का शमसुद्दीन ज़हाबी की इसी किताब के हवाले से फतवा दिया है ना। लेकिन किताब तूने जो भेजा किताब किसकी है? तूने जो भेजा है हवाला किताब किसकी है? ये बोल रहा है शमसुद्दीन ज़हाबी देवबंदी है। पहले देवबंद तो मानते हैं इनको नहीं, माने माने से क्या हो रहा है? उनको मानते हो और आपने बोला वो देवबंदी है। हाँ देवबंदी हुआ काफिर, और शमसुद्दीन ज़हाबी को आपने बोल दिया डायरेक्ट काफिर, तो फिर जो बरेलवी शमसुद्दीन ज़हाबी को मुसलमान मानेगा वो भी हुआ काफिर, मन शक्का भी कुफरी हुआ ज़हाबी फकत कफर। बिल्कुल बिल्कुल, बरेलवी हमसे बात करेगा। सुने मेरी बात, सुने मेरी बात, सुने, ये शमसुद्दीन ज़हाबी ना देवबंदी है ना बरेलवी है, ठीक है? ये बोल रहा है अकाबिर देवबंद है, और देवबंदी काबिर कैसे काफिर है, और ये काफिर कहने तैयार नहीं है तो ये खुद काफिर हो गया। और अल मलफूज के हवाले से कि जो देवबंदी बनने का इरादा करे वो भी काफिर है। नहीं, तेरा क्या है, तेरा क्या है? हामिद भाई, हामिद भाई, हामिद भाई, आप जानते किस मजहब के हैं शमसुद्दीन ज़हाबी जी? आप जानते किस मजहब के हैं? अभी आपने बताया ना मुझे देवबंदी है। देखो मेरी बात सुने, मैं बता रहा हूँ सुने, इमाम शमसुद्दीन ज़हाबी उनकी पैदाइश 5 अक्टूबर 1274 में ईस्वी में है, और वफात 3 फरवरी 1348 ईस्वी में, ठीक है? ये अरब मुहद्दिस हैं और मुअर्रिख थे, ये देवबंदी बरेलवी नहीं है, इसको पता नहीं है कुछ, किसी किताब को भेज रहा है, उन्होंने किताब में शमसुद्दीन ज़हाबी का हवाला दिया है, ना कि वो किताब शमसुद्दीन ज़हाबी का है, और ये बोल रहा है शमसुद्दीन ज़हाबी देवबंदी अकाबिर है, तो गोया देवबंदी अकाबिर कह करके शमसुद्दीन ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह उसने काफिर कह दिया, हालांकि देवबंदी भी नहीं है बरेलवी भी नहीं है। 1274 ईस्वी में और 1348 ईस्वी में जो है इनकी ये है वफात हुई है, ठीक है? और ये कह रहा है कि देवबंदी है, अजीब इंसान है यार। दमिश्क के हैं ये, ठीक है? तो दमिश्क के तू क्या मानता है इनको बता, चलो। मुसलमान मानता हूँ भाई। क्या मानता है तू? मुसलमान। उनके उस्ताद इब्न दकीकुल इद थे, यूसुफ बिन अब्दुल रहमान अल मजी थे, इल्मुद्दीन ज़ारी रहमतुल्लाह, इब्न तैमिया, अबू बकर बिन अब्दुल हकीम अद दमियाती, इब्न सैयदुन नास, तकीउद्दीन सुबकी, ये उनके उस्ताद हैं, और इनके शागिर्द का नाम है ताजुद्दीन सुबकी, इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, शमसुद्दीन इब्न मुसली, सलाहुद्दीन सफदी, जमालुद्दीन ज़ेलई, मुहद्दिस मुअर्रिख, ये तमाम ये सलाहुद्दीन सफदी है, इनके शागिर्द हैं, इनके शागिर्द हैं इनके। ये जो तू बता रहा है, हां ये पूरी तू नेट से निकाल के बता रहा है ना, ये मैं भी बता सकता हूं। अब मान ना, तू गलत है क्या? ये जो तू बता रहा है कहीं से बताऊं, सही है ना? सही है ना? मेरे मानने ना मानने के नहीं, तो देवबंदी क्यों कह दिया तू? देवबंदी क्यों कह दिया? तेरा काम है, अब बताएं। अब हामिद भाई आप लपेटें इसको, इसका काम हो गया है, ये काम हो गया इसका। अगर मैंने शमसुद्दीन ज़हाबी को अगर मैंने कहा भी कि देवबंदी के बड़े अकाबिरों में से है वो, अगर मैंने कहा भी है तो वहाबी उनको मानते हैं, उन्हीं की किताब से हवाला लिया है, मैंने इसलिए कहा है। तो देवबंदी काबिर तुम्हारा काफिर है देवबंदी काबिर। देखो ये तमहीद ईमान में लिखा है देवबंदी अकाबिर काफिर हैं, उनके कुफर पर शक करना ऐसे ही कुफर है। हामिद भाई अच्छा, शमसुद्दीन ज़हाबी तुम्हारे मुखालिफ है, शमसुद्दीन ज़हाबी तुम्हारा मुखालिफ है, चलो तुम्हारा काम हो गया। सारा हवाला पढ़े, अरबी भारत पढ़, तूने भेजा है 1, 2, 3 अरबी भारत पढ़, मर गया, भाग गया, फोन कार्ड के सामने नहीं है।